हाँ जी, यस बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। मैं बता दूं, मैं भी एकदम बढ़िया। वेलकम वेरी मच टू द वेरी नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम में लास्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले देखा था द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। एक्चुअली में डिफरेंस होता क्या है, किन किन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स में वो अप्लाई होता है, एंड लास्टली हमने कई सारे कैलकुलेशंस देखे कि हायर परचेज में जो इंस्टॉलमेंट्स होते हैं, जो ईएमआईज होते हैं, उसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट, प्रिंसिपल कंपोनेंट, ये सारी चीजें कैलकुलेशन कैसे होंगी उसने देखा। अब एक चीज आपको बता दूं कि डेली बेसिस पे जब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, मतलब जब लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे तो उसमें लेक्चर नंबर 1 का रिविजन होगा। जब लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे तो पहले 5 मिनट में लेक्चर 1 एंड 2 का रिविजन होगा, ताकि साइमल्टेनियसली चीजें आपको पता लगती जाए एंड आपको लगे चीजें मेरे कंट्रोल में है, मुझे काफी चीजें पता है। जैसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या देखा था। लेक्चर नंबर 1 में सबसे पहले हमने देखा हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल का डिफरेंस। कैश ट्रांजेक्शन है तो दोनों अप्लाई होंगे क्या? नहीं। लेकिन अगर ट्रांजेक्शन क्रेडिट बेसिस पे हो रहा है तो इसमें आप या तो हायर परचेज कर सकते हो या तो आप इंस्टॉलमेंट बेसिस पे खरीद सकते हो। प्राइमरी डिफरेंस क्या है? सर, प्राइमरी डिफरेंस है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का। हायर परचेज में ओनरशिप ट्रांसफर होती है लास्ट इंस्टॉलमेंट पे होने में, इंस्टॉलमेंट में सेल होती है एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इसीलिए हायर परचेज में क्या पर्सन के पास राइट ऑफ सेल होता है? नहीं, बिकॉज जो चीज मेरी है नहीं, मैं उसको बेच ही नहीं सकता। उसी केस में क्या लॉस ऑफ डैमेज बेयर करना पड़ेगा कस्टमर को? नहीं, बिकॉज जो चीज उसकी है ही नहीं, उसका लॉस ऑफ डैमेज भी उसका नहीं। इंस्टॉलमेंट सेल में उल्टा रहेगा। एंड अगर डिफॉल्ट होता है पेमेंट में, कुछ इंस्टॉलमेंट्स पे किए, कुछ इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं किए, तो हायर परचेज के केस में वेंडर के पास ऑप्शन होता है कि वो गुड्स को रीपोजेस कर सकता है, वो गुड्स को वापस लेकर आ सकता है, एंड आज तक जितना भी पैसा पे किया उसको कंसिडर किया जाएगा हायरिंग चार्जेस। इंस्टॉलमेंट सेल में पर्सन गुड्स को उठाकर वापस लेके आ सकता है क्या? नहीं। मतलब पूरे के पूरे पैसे डूब जाएंगे क्या? नहीं। उस पर्सन के पास राइट होता है कि वो आपको स्यू करे, आपके ऊपर केस करे एंड अपने पैसों को रिकवर करे। देन हमने देखा जो हायर परचेज होता है, हायर परचेज में कई सारी चीजें होती है ना। एक मिनट दीजिए, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट दीजिए। तो देन हम लोगों ने देखा कि हायर परचेज में कॉमनली यूज फीचर्स कैसे होते हैं। पोजीशन मतलब एक्चुअल असेट का ट्रांसफर होना, एक होता है इंस्टॉलमेंट जो ओवर टाइम पे होती है, एक होती है डाउन पेमेंट। दिमाग में सुनते ही क्या दाम आएगा? सर, डाउन पेमेंट सुनते ही दिमाग में आ रहा है 25 लाख। इंस्टॉलमेंट मतलब वो जो 4 इंस्टॉलमेंट 10-10 लाख के थे उसका नाम आता है। सर, कैश परचेज प्राइस, नाम सुनते ही दिमाग में नाम कौन सा आता है, अमाउंट कौन सा आता है? वो 55 लाख वाला। हायर परचेज प्राइस वाला नाम सुन के दिमाग में कौन सा आता है? वो 65 लाख। ठीक है। एंड देन हमने कैलकुलेशंस देखे। अब कैलकुलेशन में हमने 3 से 4 सिनेरियोस देखे थे। सबसे पहला सिनेरियो कौन सा था? जब कैश प्राइस गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट गिवन है, हमको क्या करना है? हमको बस जो हमारा फॉर्मेट है एज अ रामबाण यूज करना है। जिसको ये फॉर्मेट क्लियर हो गया, आई एम श्योर वो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस इजीली बना लेगा। हमने इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 1 देखा। देन हमने अगला देखा, जिस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, इंस्टॉलमेंट्स गिवन है, लेकिन कैश प्राइस गिवन है क्या? नहीं। अगर कैश प्राइस गिवन होता तो हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, लेकिन अगर कैश प्राइस गिवन नहीं है, सिर्फ इंस्टॉलमेंट्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, तो हम लोग कैलकुलेशन में नीचे से होकर ऊपर जाते हैं। ठीक है। सेम के हमने एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस किए। उसके बाद हमने और एक चीज के एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस किया था। किस चीज का? कि जब आपको जो इंस्टॉलमेंट्स है, इंस्टॉलमेंट्स का फिगर ना दे दे, बस इंस्टॉलमेंट्स का डिस्क्रिप्शन दे दे। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, कल मैंने आपको नोट करवाया था, आपके बुक में ऑलरेडी ये क्वेश्चन लोडेड है। दैट इज कि 2 लाख का टीवी परचेस किया, 2 लाख का कंप्यूटर परचेस किया, 40,000 डाउन पेमेंट पे कर दिया, एंड इंस्टॉलमेंट्स कैसे दिए? कहा कि इंस्टॉलमेंट्स में जितना प्रिंसिपल कंपोनेंट है 160 का, उसको इक्वल पे करेंगे 4 इंस्टॉलमेंट्स में, एंड 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 जो उस साल का इंटरेस्ट बनेगा उसे ऐड करके। जैसे देख सकते हो, पहले साल में डाउन पेमेंट 40 पे किया, देन 40 प्लस 16 अगले साल का इंटरेस्ट, 40 प्लस 12 अगले साल का इंटरेस्ट, 40 प्लस 8 अगले साल का इंटरेस्ट, 40 प्लस 4 अगले साल का इंटरेस्ट हमने पे कर दिया। एंड दो चीजें जो याद रखनी है, क्या ईयर 0 में जिस दिन मैंने असेट को परचेज किया, क्या उस दिन कुछ भी इंटरेस्ट चार्ज होता है? नहीं, बिकॉज वी आर 100% श्योर कि ये 56, ये 52, ये 48 एंड ये 44,000 में कुछ कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट है, यस, कुछ कंपोनेंट ऑफ प्रिंसिपल है, यस, लेकिन 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 ये जो ऑन द डेट ऑफ परचेज मैंने 40,000 रुपए पे किए डाउन पेमेंट के नाम पे,
क्या डाउन पेमेंट में एक भी रुपए का इंटरेस्ट मिला हुआ है? नहीं, डाउन पेमेंट में सिर्फ ओनली मात्र प्रिंसिपल प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल का ही अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, बताओ जल्दी से, कल तक जो पढ़ा क्या उसमें आपको कोई भी डाउट, या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? बताइए, कल तक हमने जो भी किया क्या आपको उसमें किसी भी प्रकार का डाउट, किसी भी प्रकार का डाउट है तो जल्दी से बताइए, अदरवाइज क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? अरे बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना, टूटे ना टूटे मुझसे रंग तेरा ढोलना, एक मेरे बाजू दूजा मेरा कोई मोलना, मोलना माही बोलना। ठीक है सर, ऑल क्लियर, परफेक्ट 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 परफेक्ट। तो चलिए फिर लेट अस स्टार्ट विद अ वेरी नेक्स्ट केस एंड देखते हैं सिचुएशन नंबर 3 दिया क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, अगर आपने कल तक जो पढ़ा है आपने उसको रिवाइज किया है तो ये सिचुएशन आपके लिए इजी होगा, लेकिन अगर ऐसे ही डायरेक्टली आकर बैठ गए हो तो हो सकता है आपको दिक्कत आए, बट वाई फियर वेन मोर सर इज हियर, सारी चीजें मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, हाँ, तो सिचुएशन नंबर 3 में क्या क्या चीजें गिवन है देखो। वेन ओनली द इंस्टॉलमेंट्स आर गिवन बट कैश प्राइस एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। अच्छा, मतलब सर आपने जो सिचुएशन नंबर 1 बताई थी उसमें हमें कैश प्राइस भी गिवन था, यस सर। उसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन था, यस सर। उसमें हमें इंस्टॉलमेंट्स के बारे में भी गिवन था, यस, जो हमने सिचुएशन नंबर 1 देखी। देन सर आपने हमें कराई सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन नंबर 2 में क्या हमें कैश प्राइस गिवन था? नहीं। लेकिन क्या हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था? यस। एंड क्या हमें इंस्टॉलमेंट्स गिवन थे? यस। अब सर आप पढ़ा रहे हो सिचुएशन नंबर 3। सिचुएशन नंबर 3 में आप बोल रहे हो इसमें कैश प्राइस भी गिवन नहीं होगा, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन नहीं होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज गिवन होगी, दैट इज द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। अरे सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलमेंट्स के बेसिस पर कैसा कैलकुलेट होगा? अबे काहे चिंता करते हो, व्हाई फियर व्हेन मोहित सर इज हियर, सारी चीजें तुमको बता देंगे, एकदम ध्यान से सुनना। क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में बहुत बड़ा हिंट है, ध्यान से करो। जब भी सिर्फ इंस्टॉलमेंट्स देगा ना तो क्वेश्चन एक छोटा सा हिंट देगा बिना जिसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, एंड नीड नॉट वरी, उसी हिंट के मैं आपको करीब लेकर जाऊंगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक्स कंपनी लिमिटेड परचेज अ मोटर कार ऑन 1st of April 2019 ऑन हायर परचेज पेइंग ₹60,000 कैश डाउन। हायर परचेज पे गाड़ी खरीदा, यस। किस दिन खरीदा? 1st of April 2019 के दिन ₹60,000 का डाउन पेमेंट किया। 60,000 का डाउन पेमेंट मतलब 1st of April के दिन ही 60,000 पे कर दिया, एंड द बैलेंस इन 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। बैलेंस कितना पे किया? इन 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। पहला इंस्टॉलमेंट था 55,000, दूसरा इंस्टॉलमेंट था 50,000, तीसरा इंस्टॉलमेंट था 45,000, फोर्थ इंस्टॉलमेंट था 40,000, एंड ईच इंस्टॉलमेंट कंप्राइजिंग एन इक्वल अमाउंट ऑफ कैश प्राइस एट द एंड ऑफ द ईच अकाउंटिंग पीरियड। क्या कहा? इस लाइन को हाईलाइट करो, इस लाइन को क्या करेंगे? हाईलाइट करें। क्या कहा गया है? ईच इंस्टॉलमेंट कंप्राइजिंग एन इक्वल अमाउंट ऑफ कैश प्राइस एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। मतलब क्या क्वेश्चन ने मुझे इंस्टॉलमेंट्स के बारे में कहा है? नहीं। लेकिन क्वेश्चन ने मुझे एक बार बताइए कि ये जो चारों इंस्टॉलमेंट्स है ना, ये जो इंस्टॉलमेंट नंबर 1 है, ये जो इंस्टॉलमेंट नंबर 2 है, ये जो इंस्टॉलमेंट नंबर 3 है, एंड ये जो मेरा इंस्टॉलमेंट नंबर 4 है, इन चारों के चारों इंस्टॉलमेंट्स में दे कंटेन एन इक्वल अमाउंट ऑफ कैश प्राइस। बेटा कैश प्राइस मतलब प्रिंसिपल। बताइए, हमें ये चीज पता है कि मेरा जो हर इंस्टॉलमेंट होता है, चाहे वो मेरा इंस्टॉलमेंट नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, जितने भी मेरे इंस्टॉलमेंट्स होते हैं, क्या उसमें सर्टेन कंपोनेंट टुवर्ड्स द कैश प्राइस होता है, जिसे हम लोग प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, यस। एंड क्या उसमें सर्टेन कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है, यस। कुछ कंपोनेंट ऑफ कैश प्राइस भी है उसमें, कुछ कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है उसमें।
अब ध्यान से सुनिए, अब क्या करेंगे, अब हम लोग ध्यान से सुनेंगे, सर कितना कैश प्राइस एंड कितना इंटरेस्ट गिवन है क्या? नहीं, लेकिन क्वेश्चन ने एक बार मुझे कहा है कि हर इंस्टॉलमेंट में जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है ना वो इक्वल है, मतलब पहले इंस्टॉलमेंट में कितना प्रिंसिपल है पता है क्या? नहीं। सेकंड इंस्टॉलमेंट में कितना प्रिंसिपल कितना इंटरेस्ट है पता है क्या? नहीं। थर्ड इंस्टॉलमेंट में कितना प्रिंसिपल कितना इंटरेस्ट है पता है क्या? नहीं। फोर्थ इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट कितना प्रिंसिपल है पता है क्या? नहीं। लेकिन एक चीज पता है सर, हर इंस्टॉलमेंट के अंदर जो आपने प्रिंसिपल कंपोनेंट पे किया है ना वो इक्वल है। कैसे इस इंफॉर्मेशन के साथ चीजें वर्कआउट होंगी मैं आपको बता दूंगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल कैश प्राइस एंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट। कैलकुलेशन वाला ही क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व होगा मैं गारंटी दे रहा हूं। एक बार फॉर्मेट बना लेते हैं, फॉर्मेट बनाने के बाद आपको चीजें ज्यादा क्लियर होगी। बताइए फॉर्मेट में क्या आएगा? फॉर्मेट में सबसे पहले आएगा ईयर, ये तो फॉर्मेट फिक्स है, आई एम श्योर आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। ईयर के बाद आप लिखोगे ओपनिंग बैलेंस, ईयर के बाद आप लिखोगे ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस के बाद आप उस पे चार्ज करोगे इंटरेस्ट एट द रेट। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है? बिल्कुल ही नहीं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे टोटल, उसके बाद लिखेंगे टोटल, देन टोटल में से इंस्टॉलमेंट पे होगा, टोटल में से इंस्टॉलमेंट क्या होगा? पे होगा, एंड बैलेंस आएगा मेरा क्लोजिंग बैलेंस, एंड बैलेंस क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा मेरा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, क्वेश्चन ने उधर मुझे क्या क्या चीजें दी है, जितनी जितनी चीजें दी है मैं नोट करते जाऊंगा, एंड नीड नॉट वरी बाकी चीजें बाय डिफॉल्ट आपको समझ में आने लगेंगी। ईयर जीरो, ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, ईयर फोर। इंटरेस्ट का रेट गिवन है क्या? नहीं। ओपनिंग बैलेंस गिवन है क्या? नहीं। इंस्टॉलमेंट्स के बारे में गिवन है क्या? यस। ईयर जीरो में इंस्टॉलमेंट कितना है? ईयर जीरो में आपने इंस्टॉलमेंट पे किया है 60,000, ये 60,000 मेरा डाउन पेमेंट है। देन सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट्स कौन से? 55,000, 50,000, 45,000 एंड 40,000, 45,000 एंड 40,000। अब सारी चीजें आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिए। और क्या चीजें बता सकते हो? सर इतना बता सकता हूं कि ईयर जीरो में इंटरेस्ट होगा जीरो, ठीक है, ये लिख दिया। और सर इतना बता सकता हूं कि एट द एंड ऑफ ईयर फोर जो क्लोजिंग बैलेंस होगा ये भी बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? जीरो। इतनी चीजें तो बता सकते हैं, यस। देन इधर का टोटल कितना होगा? सर इधर का टोटल होगा 40,000। इधर का टोटल किधर होगा? 40,000। सर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे गिवन होता तो मैं ओपनिंग बैलेंस एंड इंटरेस्ट भी इजीली कैलकुलेट कर लेता एज पर ऑप्शन नंबर टू। लेकिन क्या इधर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में गिवन है? नहीं। अब ध्यान से सुनेंगे, अब ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन ने मुझे बस एक हिंट दी है कि इस 40,000, इस 45,000, इस 50,000 एंड इस 55,000 में जो प्रिंसिपल कंपोनेंट मिला हुआ है ना वो इक्वल है। वो क्या है? इक्वल है। आ जाइए नीचे लिखो, लेट द प्रिंसिपल कंपोनेंट इन ईच इंस्टॉलमेंट बी एक्स। मान लेते हैं कि मेरा हर जो इंस्टॉलमेंट है ना, मान लेते हैं कि मेरा जो हर इंस्टॉलमेंट है ना उसमें प्रिंसिपल कंपोनेंट का फिगर इक्वल है, यस। yes. कितना है मुझे पता है क्या? नहीं। मान लेते हैं कि वो एक्स है, मान लेते हैं कि वो एक्स है। अब सर वैलेंटाइंस वीक वाले दिन आप एक्स की याद मत दिलाओ, अरे किधर बेटी में चले जाते हो तुम लोग, क्लास में ध्यान दो। तो मान लीजिए कि हर इंस्टॉलमेंट में जो प्रिंसिपल कंपोनेंट मिला हुआ है ना वो क्या है? एक्स। वो क्या है बेटा? एक्स। अब अगर प्रिंसिपल कंपोनेंट एक्स है एंड इंटरेस्ट इन इंस्टॉलमेंट 4BI, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होता तो मैं सिंपली कैलकुलेट कर लेता इंटरेस्ट। लेकिन क्या मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है? नहीं सर, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में भी नहीं पता। अब मान लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? आई परसेंटेज। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? आई इन इंस्टॉलमेंट नंबर 4। अब एक काम करते हैं, इधर आ जाते हैं। क्या ये क्वेश्चन हमारा देखा देखा लग रहा है? यस, बिकॉज सर लास्ट लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन किया था ना, लास्ट लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन किया था ना उसमें भी देखो क्या कहीं ना कहीं लॉजिक सेम है, क्या कहीं ना कहीं लॉजिक सेम है। देखिए लॉजिक सेम कैसा है, उस क्वेश्चन को करवाने का रीजन ही ये था ताकि मैं आपको रीजन लॉजिक डेवलप करवाऊं, एंड द लॉजिक इज सर उस क्वेश्चन ने भी बोला था
कि जितने भी इंस्टॉलमेंट्स है ना मेरे, 56,000 वाला, 52,000 वाला, 48,000 वाला, 44,000 वाला, इन सब में जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है ना वो इक्वल है। कैसे सर? वन में भी प्रिंसिपल कंपोनेंट 40,000 पेड है, टू में भी प्रिंसिपल कंपोनेंट 40,000 पेड है, थ्री में भी प्रिंसिपल कंपोनेंट 40,000 पेड है, एंड फोर में भी प्रिंसिपल कंपोनेंट 40,000 पेड है, ठीक है। लेकिन सर इसका क्या? लेकिन सर इसका क्या? इसका मैं क्या करूं? मतलब आप ये चीज समझ सकते हो कि अगर प्रिंसिपल कंपोनेंट हर केस में सेम है तो सर जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन आ रहा है। इंटरेस्ट के बीच में क्या आ रहा है? इंटरेस्ट के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन आ रहा है। मतलब अगर हमारा जो एग्जाम्पल था लगभग ऐसा ही एग्जाम्पल है, बस फिगर्स अलग है, लगभग ऐसा ही एग्जाम्पल है बस फिगर्स अलग है। अब हमने क्या बोला? अगर प्रिंसिपल कंपोनेंट हर इंस्टॉलमेंट में एक्स है, अगर प्रिंसिपल कंपोनेंट हर इंस्टॉलमेंट में एक्स है तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में ये प्रिंसिपल कंपोनेंट एक्स होगा, ठीक है। एंड ये क्या हो जाएगा? आई। ये क्या हो जाएगा? आई फॉर श्योर, अगर वो एक्स है एंड एक्स प्लस आई, ठीक है, अगर वो एक्स है एंड एक्स प्लस आई इज इक्वल टू, ये 44,000 हो रहा है, एक्स प्लस आई कितना हो रहा है, ये हमारा 44,000 आ रहा है। अब इसके जस्ट ऊपर जाओ, अब इसके एक इंस्टॉलमेंट जस्ट ऊपर जाएंगे, आप मुझे बताइए अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट आई है तो लास्ट सेकेंड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना होगा? 2i। कैसा है बेटा? सिंपल लॉजिक। कैसा है बेटा? सिंपल लॉजिक। अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट में मेरा इंटरेस्ट मिला हुआ है आई, तो लास्ट सेकंड इंस्टॉलमेंट में कितना होगा? 2i, ऑब्वियसली, बिकॉज अगर प्रिंसिपल कंपोनेंट सेम रीपे होता जा रहा है, अगर प्रिंसिपल कंपोनेंट सेम रीपे होता जा रहा है तो इंटरेस्ट कितना होगा? ऑब्वियसली 2i होगा, ठीक है। चेक कर सकते हो इधर इंटरेस्ट कितना होगा? 3i, एंड इधर इंटरेस्ट कितना होगा? 4i। इधर इंटरेस्ट कितना होगा? 3i। इधर इंटरेस्ट कितना होगा? 4i। मतलब आप ये चीज बोल सकते हो सर लास्ट वाला जो मेरा इंस्टॉलमेंट है ना, इंस्टॉलमेंट में देखो 40,000 ये तो फिक्स है, प्लस 4i 16,000, 40,000 ये तो फिक्स है, प्लस 3i 12,000, 40,000 ये तो फिक्स है, प्लस 2i 8,000, 40,000 ये तो फिक्स है, प्लस i 4,000। सेम फंडा अप्लाई करेंगे इधर, सेम फंडा अप्लाई करेंगे हम लोग इधर। क्या फंडा अप्लाई करेंगे हम लोग? बोलेंगे एक्स प्लस आई, जो हमारा ईयर फोर है, ईयर फोर से रिलेटेड एक्स प्लस आई कितना है? 40,000। जो हमारा ईयर फोर है उसमें एक्स प्लस आई कितना है? 40,000। अब अगर ईयर फोर का इंस्टॉलमेंट एक्स प्लस आई 40,000 है, मतलब जो ईयर थ्री का इंस्टॉलमेंट है कितना? 45,000। ईयर थ्री का इंस्टॉलमेंट कितना है? 45,000। ये क्या होगा सर? इसमें प्रिंसिपल कंपोनेंट तो इक्वल है, मतलब एक्स, ये जो इंस्टॉलमेंट है 45,000 वाला लास्ट सेकेंड वाला, इसमें प्रिंसिपल कंपोनेंट तो सेम है, यस दैट इज एक्स, एंड इंटरेस्ट कितना होगा इसमें? 2i। इंटरेस्ट कितना होगा? 2i। लॉजिक हम लोग ऊपर देख कर आए, जो हमारा ईयर टू का इंस्टॉलमेंट है कितना इंस्टॉलमेंट है ईयर टू का? 50,000। कितना इंस्टॉलमेंट है ईयर टू का? 50,000। उसमें प्रिंसिपल कंपोनेंट फॉर श्योर एक्स ही है, एंड उसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना होगा? 3i। इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना होगा? 3 times प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है तो 3i होगा। एंड जो हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया है दैट इज ₹55,000 वाला, इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल मतलब एक्स ही होगा, प्लस 4i अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा। पता है मुझे अभी कहीं ना कहीं आपको डाउट हो सकता है, लेकिन पूरा क्वेश्चन हो जाने दो, फिर से एक बार समझा दूंगा, देन ऑल द थिंग्स विल मेक वेरी 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 मच सेंस टू यू, ठीक है। देखिए एक्स प्लस आई 40,000, एक्स प्लस 2i 45,000। अब क्या करेंगे? किन्हीं भी दो इक्वेशंस को उठाओ, किन्हीं भी दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को उठाओ एंड सॉल्व करने लग जाओ। किन्हीं, जैसे मान लो मैंने इन्हीं दोनों को साइड में रखता हूँ एंड इन्हीं दोनों को सोचा एज अ साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना, इन्हीं दोनों को सॉल्व करता है एज अ साइमल्टेनियस इक्वेशन। करो, 3 minus 4 है ना, 3 minus 4 करोगे तो क्या होगा? ये होगा एक्स, एक्स कट हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ₹5,000। आई कितना है? ₹5,000। मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना आया मेरा? 5,000। रेट पता है क्या? नहीं, लेकिन अमाउंट कितना आ गया मेरा? 5,000। अब फॉर श्योर है अगर ये आई है, ये 2i होगा है ना, ये 3i होगा एंड ये 4i होगा। बताइए अगर ईयर नंबर फोर में इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना है? 5,000, तो 2i में कितना होगा? 10,000। 3i में कितना होगा? 15,000। एंड 4i में कितना होगा? 20,000। एंड 4i में कितना होगा? 20,000, ठीक है। अब चलो ठीक है,
अगर आई 5000 है, करते हैं इक्वेशन में सॉल्व, इफ एक्स प्लस आई इज इक्वल टू 40,000 एंड आई इज इक्वल टू 5000, तो एक्स कितना होगा, एक्स होगा 40,000 माइनस 5000, कितना होगा 40,000 माइनस 5000, मतलब एक्स होगा 35,000, मतलब हर इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल कंपोनेंट कितना मिला हुआ है 35,000, लिख लीजिए इधर 35,000, कर लेंगे चेक, ये एक्स है, 35,000 प्लस 5,000 कितना होगा 40,000, एंड में 40,000 लेस किया जीरो। अब सर एक बार ये चीजें मुझे पता चल गई, फिर तो मैं नीचे से ऊपर सिंपली जा सकता हूं, बिकॉज ईयर फोर का ओपनिंग इज ईयर थ्री का क्लोजिंग, दैट इज 35,000, एड कर देंगे इधर कितना हो जाएगा 80,000, 80,000 में 10,000 का इंटरेस्ट मिला हुआ है, मतलब प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग होगा 70,000, यही 70,000 चला जाएगा ऊपर, इधर कितना हो जाएगा 120,000, 120 में से 15 माइनस किया बचेगा 105,000, इधर आ जाएगा ऊपर 105,000, इसमें आप ऐड करोगे 55,000 तो कितना होगा 160,000, 160 में 20 लेस करोगे कितना हो जाएगा 140,000, ईयर जीरो का क्लोजिंग कितना है 140,000, इसमें से 60,000 का इंस्टॉलमेंट कट चुका है, टोटल कितना होगा 2,00,000, लेस करने के बाद इधर ओपनिंग बैलेंस कितना हो जाएगा 2,00,000, कितना आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस 2,00,000 रुपीस। क्वेश्चन ने पूछा क्या था, क्वेश्चन ने कैश परचेस प्राइस पूछा था, लिख देंगे 2,00,000 रुपए, एंड क्वेश्चन ने पूछा था कि हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना मिला हुआ है, इंस्टॉलमेंट नंबर वन में इंटरेस्ट कंपोनेंट 20,000, टू में इंटरेस्ट कंपोनेंट 15,000, थ्री में इंटरेस्ट कंपोनेंट 10,000 एंड फोर में इंटरेस्ट कंपोनेंट 5,000, सिंपल। अब ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व क्यों कर पाए, इसीलिए बिकॉज मैंने आपको इस लाइन को हाईलाइट करवाया था, दैट वॉज कि हर इंस्टॉलमेंट में जो ईच इंस्टॉलमेंट कंप्राइजिंग एन इक्वल अमाउंट ऑफ कैश प्राइस एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड, हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हर इंस्टॉलमेंट में जो कैश प्राइस के लिए पैसा पे कर रहे हो, जो प्रिंसिपल के लिए पैसा पे कर रहे हो, वो इक्वल है, वो क्या है प्रिंसिपल वाला पैसा इक्वल है, ठीक है। उसी चीज के कारण हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया एंड हमने ये सारी चीजें सॉल्व कर ली, लिखना होगा तो लिख लो, है ना, लिख लीजिए, आई एम श्योर कि आपको क्लियरली विजिबल होगा, आई एम श्योर आपको क्लियरली विजिबल होगा, एंड जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए ना, मतलब सर आप जिस स्पीड से करवा रहे हो ना, हमको तो लग रहा है अगले मेथड में क्या करोगे, बोलोगे सरप्राइज सरप्राइज, आप बोलोगे अगले मेथड में आपने इंस्टॉलमेंट भी हटा दिया, कैश परचेज प्राइस भी हटा दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हटा दिया, एंड बोलोगे सब निकालो, नहीं रही, अब ऐसा थोड़ी आएगा, ऐसा थोड़ी आएगा, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, पूरी चीजें थोड़ी कैलकुलेट करने को देगा। अब इसमें भी अगर जनरल क्वेश्चन होता तो सॉल्व कर पाते क्या? नहीं, क्यों सॉल्व कर पाए? बिकॉज ऑफ वन एंड सोल रीजन कि क्वेश्चन ने बोला था हर इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल कंपोनेंट सेम है, एंड याद में रख लो, जब भी एग्जाम में अगर आपको इसमें से इंस्टीट्यूट को क्वेश्चन देना है तो फॉर श्योर ये लाइन रहनी चाहिए, अगर वो लाइन नहीं है मतलब वो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, अगर वो लाइन है ही नहीं मतलब वो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए वी आर डन, एक बार चेक कर लेते हैं, एक्स प्लस आई दिया हुआ है ना, कैश परचेज प्राइस 2,00,000 रुपए, हमने भी यही कैलकुलेट करिए, एंड इंटरेस्ट 15, 20, 15, 10, 5, टोटल 50,000, यही सारी चीजें हमने भी कैलकुलेट करी है। आई होप आप सबने लिख ली होंगी, बिकॉज लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लिखने के लिए मैं अलग से टाइम दूंगा नहीं, एक्सप्लेनेशन के साथ ही लिखने की आदत डालो, समझते समझते ही लिखने की आदत डालो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखेंगे, एक्स वाई जेड लिमिटेड, अच्छा सिचुएशन देखते हैं ना कौन सी है, व्हेन द कैश प्राइस एंड द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आर गिवन बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। अच्छा देखो 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 देखो, आ जाओ इधर आ जाओ, ये सिचुएशन नंबर 3 था, ये हमारा सिचुएशन नंबर 4 है। सिचुएशन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, आपको कैश प्राइस दे देंगे, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देंगे, लेकिन आपको इंस्टॉलमेंट्स भी देंगे। अब सर दो चीजें पता होने के बाद एक चीज पता नहीं थी, वो भी हमने कैलकुलेट कर ली, तो इधर तो दो चीजें पता है, इंटरेस्ट निकालना बचा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट, वो तो सिंपल होगा। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक्स वाई जेड लिमिटेड ने क्या किया, एक वैन खरीदा ऑन द हायर परचेस ऑन 1st of April 2021। परचेस के टर्म्स क्या थे, हायर परचेस प्राइस मतलब आप टोटल कितना पे करने वाले हो 180,
इंस्टॉलमेंट होगा 30, डाउन पेमेंट होगा 30,000, पहला इंस्टॉलमेंट 50, दूसरा इंस्टॉलमेंट 50, तीसरा इंस्टॉलमेंट 30, चौथा इंस्टॉलमेंट 20। क्या हम लोग चेक कर सकते हैं सही बोल रहा है कि आप? यस, बिकॉज हमको पता है हायर परचेस प्राइस क्या होता है, इट इज नथिंग बट द डाउन पेमेंट प्लस टोटल ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स। आइए एक बार कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिए, कैलकुलेटर आपके पास रहना ही चाहिए। 30,000 का डाउन पेमेंट, 50,000 का इंस्टॉलमेंट 1, 50,000 का इंस्टॉलमेंट 2, 30,000 का इंस्टॉलमेंट 3, 20,000 का इंस्टॉलमेंट 4, कितना होगा 1,80,000। चेक कर लीजिए क्या 1,80,000 गिवन है? यस, मतलब करेक्ट गिवन है। अगर आज मैं कैश में जाके गाड़ी खरीद लूं तो कितने में पड़ेगी वैन? 1,50,000 रुपीज में। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट कंपोनेंट इन ईच इंस्टॉलमेंट। क्या इस क्वेश्चन में मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है? नहीं। अब ध्यान से सुनेंगे, अब क्या करेंगे ध्यान से सुनेंगे, लिखिए व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, यू आर रिक्वायर्ड, लिखेंगे सारे बच्चे साथ में, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द IRR, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ रिटर्न। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द IRR, दैट इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ रिटर्न यूजिंग इंटरपोलेशन मेथड, यूजिंग इंटरपोलेशन मेथड। अब ये जो IRR का कैलकुलेशन होता है ना, या फ्रीक्वेंटली अपने FM के लेक्चर्स में जरूर देखोगे, लेकिन अकाउंट्स में जिसको पता है बहुत अच्छा, जिसको नहीं पता है मैं एक बार समझा देता हूं कि ये IRR क्या होता है एंड ये इंटरपोलेशन मेथड क्या होता है। टाइम स्टैम्प ड्रॉ कर लेते हैं, क्या करेंगे टाइम स्टैम्प ड्रॉ कर लेंगे। हमको पता है कि ईयर जीरो में खड़े रह के अगर मैंने पूरा कैश में पे किया तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 1,50,000। लेकिन अगर मैं इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहा हूं तो मुझे कितना पे करना पड़ रहा है, अगर इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहा हूं तो डाउन पेमेंट मुझे 30K पे करना पड़ रहा है। देन एट द एंड ऑफ ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4 कुछ पे करना पड़ रहा है। बताइए एट द एंड ऑफ ईयर 1 कितना पे कर रहे हो, 50K, 2 कितना पे कर रहे हो, 50K, 3 कितना पे कर रहे हो, 30K एंड एट द एंड ऑफ ईयर 4 कितना पे कर रहे हो, 20K। ठीक है, इतना 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 आप क्या कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हो। अब IRR मतलब क्या, IRR मतलब वो रेट, इंट्रिंसिक रेट ऑफ रिटर्न मतलब वो रेट जिस रेट से अगर आप इन सबको डिस्काउंट करके लाओ, ये 50,000 को आपको क्या करना पड़ेगा, एक साल के लिए डिस्काउंट करना पड़ेगा, ये 50,000 को आपको क्या करना पड़ेगा, दो साल के लिए डिस्काउंट करना पड़ेगा, ये 50,000 को आपको कितने साल के लिए पीछे खींच के लाना पड़ेगा, तीन साल के लिए पीछे खींच के लाना पड़ेगा, ये 20,000 जो है आपको कितने साल के लिए खींच के लाना पड़ेगा, चार साल के लिए खींच के लाना पड़ेगा, सो दैट ये आपका टोटल बने 1,50,000। अब क्या हमें रेट पता है, कुछ ना कुछ रेट होगा ना, कुछ ना कुछ रेट होगा ना, लेट द रेट बी आई, तो इसको एक साल पीछे खींचना है, इसको दो साल पीछे खींचना है, इसे तीन साल पीछे खींचना है एंड इसे चार साल पीछे खींचना है। अब आई, क्या हमें इंट्रिंसिक रेट के बारे में पता है? नहीं। अब अगर हमें इंट्रिंसिक रेट ऑफ रिटर्न के बारे में नहीं पता तो हम लोग अप्लाई करेंगे इंटरपोलेशन मेथड। इंटरपोलेशन मेथड कहता क्या है, इंटरपोलेशन मेथड बोल रहा है कुछ पता नहीं है ना आपको, अज्यूम कर लो, जैसे कि आएंगे लिखेंगे सॉल्यूशन, आएंगे लिखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, लिखेंगे लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 10%। है नहीं, पता नहीं है मुझे कि 10 है या नहीं, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होने वाला है, 10%। अज्यूम कर रहा हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होने वाला है मेरा, 10%। आ जाइए फिर से वही लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, ईयर, वही फॉर्मेट बना लेंगे, इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट एट द रेट कितना होना चाहिए, 10%। ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे, टोटल उसमें से आप क्या पे करोगे, इंस्टॉलमेंट एंड आ जाएगा मेरा क्लोजिंग बैलेंस, एंड आ जाएगा मेरा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं बिकॉज इधर ओपनिंग बैलेंस भी आएगा। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस भी आएगा। ठीक है,
ये तस्वीर है ख्वाब के रंग की। सर एग्जाम में पेंसिल लाइन बनाई तो चलती क्या? बिंदास चलती। कोई भी अगर आपको बोले कि मैं तो स्केल पेंसिल से लाइन बनाऊंगा, मैं तो अच्छे से लाइन बनाऊंगा, मुझे तो प्रेजेंटेशन के मार्क्स चाहिए, उसको बोलना तू जाके ले ले एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग। सोनी है सोनी है। अपने को तो कंटेंट के मार्क्स होना, बिकॉज अपने को पता है इंस्टीट्यूट कंटेंट के ही मार्क्स देता है। ईयर 0, 1, 2, 3, 4 बताओ। ओपनिंग बैलेंस कुछ गिवन है क्या? अरे नहीं रही, इंस्टॉलमेंट गिवन है। क्या गिवन है? इंस्टॉलमेंट गिवन है। पहला तो 30,000, 30, 50, 50, 30, 20, ठीक है, 30, 50, 50, 30, 20 कैसे आएंगे? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, यस। इंस्टॉलमेंट्स गिवन है, यस। वही तरीका, कैसे जाएंगे? नीचे से ऊपर। ये होगा 0, ये हो जाएगा 20,000। अभी तो आप प्रो हो चुके हो। इफ 20,000 इज 1.1 तो 20,000 डिवाइड बाय 1.1 करोगे, ये क्या होगा? 18182। कितना होगा? 18182। ये होगा 1818। इधर आप लिख लोगे 18182 प्लस आप ऐड करोगे 30,000। कितना होगा? 48182। इसमें आप करिए, इसमें डिवाइड बाय 1.1, ये होगा 43802। कितना होगा? 43802। इधर आप लिखोगे 4380, इधर लिख लेंगे 43802, ठीक है। प्लस कर लीजिए 50,000, 93802 डिवाइड बाय 1.1 करेंगे, ये होगा 85274, 85274। उसमें 0.1 का इंटरेस्ट ऐड करेंगे, 8527, ठीक है। ऊपर ले लिया 85274, प्लस कर लेंगे 50,000। कितना होगा? 135274, ठीक है। डिवाइड बाय 1.1 करेंगे, 1229777, 1229777 इंटू 0.1, 1297, ये 1229777 प्लस 30,000। कितना होगा? 152977। क्या इधर कुछ इंटरेस्ट होगा? नहीं। कितना आ रहा है? 152977। क्या हमारा आंसर करेक्ट है? नहीं सर, बिकॉज अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होता, अगर सर 10% तो अज्यूम किया है ना, अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होता तो ये ओपनिंग बैलेंस कितना आना चाहिए था सर? ये जो 152977 आया है ना सर, जो कि मुझे कैश प्राइस गिवन है, तो मुझे ये चाहिए कितना सर? मुझे ये चाहिए सिर्फ 1,50,000 सर। मुझे ये चाहिए कितना? मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ ये 1,50,000। लेकिन ये आ कितना रहा है? 152977 आ कितना रहा है? 152977। मतलब सर मुझे कुछ दूसरा रेट लेना पड़ेगा ताकि ये 152977 तक आए। सर एग्जैक्टली वो रेट कैसा आएगा? अरे रुको, जरा सबर करो, काहे चिंता करते हो हम, है ना। अब मुझे बस सिंपली इतना बताइए कि अगर मुझे इस 152977 को 150 तक लाना है, अगर मुझे इस 1,52,977 को 1,50,000 तक लाना है, तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाना चाहिए या मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करना चाहिए? सिंपल लॉजिक है बेटा। अगर मुझे इस 152977 को 1,50,000 तक लाना है, मतलब कुछ अप्रोक्सीमेटली 2,977 से कम करना है, यस। अगर मुझे 2,977 से कम करना है तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाना चाहिए या मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करना चाहिए? दो ऑप्शन है बेटा, जल्दी से चैट में सारे बच्चे आंसर देंगे। पहला ही रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाना। अगर आप बोलोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाना चाहिए, तो मैं अगला कैलकुलेशन करूंगा 12% को अज्यूम करके। अगर आप ऑप्शन नंबर 2 बोलोगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटाना चाहिए, तो मैं अगला कैलकुलेशन करूंगा 8% को अज्यूम करके। बताओ बड़े जल्दी से क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या ऑप्शन नंबर 1 सही है? देवी और सज्जनों जल्दी से बताएंगे, क्या मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% लू या मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% लू? आई एम श्योर मिक्स आंसर आ रहे हैं, आई वॉज श्योर कि बच्चों के मिक्स आंसर ही आएंगे। बताइए 12% या 8%, बताइए 12% लेंगे या 8%?
बताइए, 12% लेंगे या 8% लेंगे? बोलो। अरे बोलना माही बोलना, टूटे ना टूटे मोहे रंग मेरा ढोलना, एक तेरे बाजू दूना मेरा कोई मोलना, बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना, तेरे संग हंसना मैं तेरे संग रोना। क्या बात है बच्चों, जितने भी बच्चे बोल रहे ना कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% होना चाहिए, आप एब्सोल्यूटली गलत। टाना टाना टाना, एंड द करेक्ट आंसर इज सर रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्यों? लॉजिकली आप मुझे सोच कर बताओ, आप क्या करोगे? सर लॉजिकली आप मुझे सोच कर बताओ, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट तो चेंज होने से रहा, प्रिंसिपल कंपोनेंट तो चेंज होने से रहा, डिफरेंस जो भी करेगा इंटरेस्ट करेगा। अगर मुझे इस 152,977 को 150 तक लाना है, मतलब इंटरेस्ट अमाउंट कम करना है, मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट कम करना है। अब अगर मैं ज्यादा रेट से खींचूंगा तो ही तो अमाउंट छोटा आएगा, अगर मैं छोटे रेट से खींचूंगा तो अमाउंट तो ज्यादा आ जाएगा ना 152,977 से। अगर मैं 10 की जगह पर 8 लूंगा तो पहले साल का इंटरेस्ट भी कम, दूसरे साल का इंटरेस्ट भी कम, तीसरे साल का इंटरेस्ट भी कम, चौथे साल का इंटरेस्ट भी कम, एंड अल्टीमेटली ओपनिंग बैलेंस क्या आ जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्या हमको ओपनिंग बैलेंस को बढ़ाना है? नहीं। मान लो ये जो 152,977 है ये कहीं ना कहीं 140, 145, 148 के आसपास आता, फिर मैं कहता नहीं यार मुझे इसको 1.5 लाख तक लेके जाना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करता हूं ताकि ओपनिंग बैलेंस बढ़े। लेकिन हमको क्या करना है? हमको ओपनिंग बैलेंस कम करना है, इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% लेके चलिए एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। आ जाओ नीचे, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। लिखो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 12%, लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 12%, ठीक है। 10% में कितना आ रहा था? 10% में हमने देखा था कैश परचेज प्राइस आ रहा था 152,977। अब सर कुछ नहीं करेंगे, सर इधर मिटा देंगे। तुम स्टूडेंट हो ना? स्टूडेंट कौन है? आप लोग स्टूडेंट कौन हो? स्टूडेंट बेटा आप लोग, अब आप लोग स्टूडेंट हो ना, तो आप लोग करेंगे, मैं हम काहे करेंगे, हम तो पास हो चुके, हम तो पास हो चुके। आप लोग बनाओ फॉर्मेट, आप तो रब कर ही नहीं सकते। एंड अगर अभी शॉर्टकट किया तो अभी शॉर्टकट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में जब नहीं समझेगा ना, तब एग्जाम के एक महीने पहले रोते रहना, सर नोट्स में समझ नहीं आ रहा, सर नोट्स दे दो, सर क्लास के नोट्स दे दो। पता है मुझे आती है बच्चों की रिक्वेस्ट, आएंगे एग्जाम से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, सर रेगुलर लेक्चर के नोट्स दे दो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं दे दूंगा, लेकिन अपने नोट से पढ़ने में जो कम्फर्ट है ना बेटा, वो किसी और के नोट से पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने क्या अज्यूम किया इधर? 12%। कितना अज्यूम किया? 12%। कोई दिक्कत नहीं। इंस्टॉलमेंट क्यों मिटा दिया? अरे इंस्टॉलमेंट तो सेम ही है ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं। कितना इंस्टॉलमेंट? 30,000, 50,000, 50,000, 30,000 and 20,000। कितना? 20,000, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस बताइए सर। एट दी एंड क्लोजिंग बैलेंस 0 ही होना है, ठीक है। टोटल कितना होगा? ये टोटल 20,000 होगा, ये टोटल कितना होगा? 20,000 होगा। बताइए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है तो ओपनिंग बैलेंस कितना होगा? सर पहले 20,000 डिवाइड बाय 1.1 किया करते, इस केस में 20,000 डिवाइड बाय 1.12 करेंगे, सिंपल। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं। कर लीजिए 20,000 डिवाइड बाय 1.12, ये होगा 17857, एंड उस पर 12% इंटरेस्ट कितना होगा? 2143। ये आपने ऊपर जाकर लिख दिया 17857, ठीक है, 17857 प्लस 30,000 कितना होगा? 47857, ठीक है, इंटू 1 बाय 1.12, ये हो जाएगा 427,29 इंटू 0.12, 5128 कितना हो जाएगा? 5128 कर लीजिए इंटू 100 बाय 12, मतलब वही आ जाएगा 42729। यही आप इधर लिखोगे 42729,
प्लस कर लीजिए 50,000। कैलकुलेटर में आपका हाथ स्ट्रांग होना चाहिए, जो भी बच्चा नंबर कॉपी करेगा बेटा कैलकुलेटर में एग्जाम में जाकर अटक जाओगे। तो अभी से अपनी कैलकुलेटर स्पीड पे काम करने की आदत डालो। 92729 ठीक है, डिवाइड बाय 1.12 करोगे कितना होगा 82794 82794 इंटू 0.12 करोगे कितना होगा 9935 ठीक है। ऊपर लिख दीजिए 82794 प्लस 50,000 कितना होगा 132794 इंटू सॉरी डिवाइड बाय 1.12 ये हो जाएगा 118,566 ठीक है। इंटू 0.12 ये हो जाएगा 14228 ठीक है। 118,566 प्लस 30,000 148,566। ईयर जीरो में कुछ इंटरेस्ट चार्ज होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। एंड ये भी होगा 148,566। अब ध्यान से देखेंगे, अब क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे, जो हमने सोचा था क्या वैसा ही हुआ? यस सर, मैंने जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से 12% किया तो जो मेरा आना था 1.5 लाख कम हो गया, लेकिन सर ज्यादा ही कम हो गया। मुझे कितने तक लाना था? 1.5 लाख रुपए तक। कितने तक आ गया वो? 1,48,566 तक। मतलब सर बीच का रेट 11 लेना पड़ेगा क्या? एग्जैक्टली 11 होगा क्या? नहीं रे, हो सकता 11.01 11.02। मतलब सर क्या पेपर के पूरे 3 घंटे यही अलग अलग रेट अज्यूम करके कैलकुलेट करते रहना है करते रहना है करते रहना है, ऐसा होगा क्या? नहीं। ध्यान से देखो, इसीलिए मैंने क्या बोला, इसीलिए मैंने ऊपर बोला कि इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस केस में आपको करना क्या पड़ेगा, ध्यान से देखेंगे। When the rate of interest is not given, you are required to calculate the intrinsic rate of return using the interpolation method. अब ये interpolation method कहता क्या है ध्यान से देखो। Interpolation method कहता है जब आपने 10% से discount किया तो आपका cash purchase price आ रहा है 1,52,977 correct? Yes. वही interpolation method क्या बोल रहा है, जब आपने इसको 12% से discount किया, जब आपने 10% से डिस्काउंट किया तो 1,52,977 आ रहा है, जब आपने 12% से डिस्काउंट किया तो आपका आंसर 1,48,566 आ रहा है। मतलब हमारा जो एक्चुअल IRR है ना वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में है। बिकॉज मेरी मंजिल क्या है सर? मेरी मंजिल है मुझे पहुंचना है 1.5 लाख। मेरी मंजिल क्या है? मेरी मंजिल साफ है कि मुझे पहुंचना है 1.5 लाख रुपए तक। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान से देखेंगे ना, कैसा कैलकुलेट होगा ध्यान से देखो। फॉर्मूला है इंट्रिंसिक रेट ऑफ रिटर्न। फॉर्मूला क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू लोअर रेट। फॉर्मूला एक बार डिटेल में समझा दूंगा, एक बार आप अप्लाई कर दो, एप्लीकेशन के बाद थ्योरी विल मेक मोर सेंस। IRR क्या होता है? लोअर रेट प्लस बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, लिखेंगे हायर माइनस लोअर रेट, बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, लिखेंगे हायर माइनस लोअर रेट ठीक है, इनटू कैश परचेज प्राइस यूजिंग लोअर रेट माइनस 1,50,000 लिखते जाइए, सारी चीजें समझा दूंगा ठीक है। डिवाइडेड बाय कैश परचेज प्राइस यूजिंग लोअर रेट माइनस कैश परचेज प्राइस यूजिंग हायर रेट। फिगर देख के लग रहा होगा मुझे पता है आपका सर चकरा रहा होगा, लेकिन जब इसको हम अप्लाई करेंगे आपके लिए सिंपल हो जाएगा। क्या बोल रहा है सर? सिंपली बोल रहा है बताओ लोअर रेट आपने कौन सा कंसिडर किया था? सर लोअर रेट मैंने कंसिडर किया था 10% ठीक है, तो इज इक्वल टू 10% ठीक है। प्लस आप क्या करोगे, डिफरेंस इन हायर रेट एंड लोअर रेट, हायर रेट कितना है 12%, लोअर रेट कितना है 10%, मतलब डिफरेंस होगा 2%। अब ये जो 2% का डिफरेंस है, इस 2% डिफरेंस के कारण इन दोनों में कितना डिफरेंस आ जा रहा है चेक कर लो ना। 152977 माइनस 148566 मतलब इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है 4411। इन दोनों में डिफरेंस कितना आ जा रहा है बेटा 4411। ध्यान से देखो, क्या मुझे 4411 के डिफरेंस को भरना है? नहीं सर,
नहीं सर, मैंने तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ इसीलिए किया था ताकि मैं मेरे 1.5 लाख तक पहुंच पाऊं। मतलब मुझे कितने डिफरेंस को कॉम्पेंसेट करना है? 152977 माइनस 150,000। सर मुझे तो सिर्फ 2977 ही कम करना है। अगर 12% रेट लूंगा तो 148566 तक पहुंच जाऊंगा। क्या मुझे वहां तक पहुंचना है? नहीं, मतलब 12% तो IRR नहीं होगा, 12% से थोड़ा कम होगा, 11 point कुछ। लेकिन 11 point कितना होगा उस चीज के लिए क्या हमको देखना पड़ेगा? मुझे 152977 से 150 तक पहुंचना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सर 2% चेंज के कारण 4411 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर मुझे 2972 का डिफरेंस चाहिए तो कितने को चेंज करना पड़ेगा? तो कर आपने 2% में कितना चेंज हो रहा है 4411 का? मुझे चेंज कितना चाहिए 2972 का? कर लीजिए। अगर 2% चेंज हो रहा है 4411, अगर 2% से 4411 का चेंज हो रहा है तो कितने परसेंट से 2972 चेंज होगा? कर लीजिए 2% इंटू 2972 डिवाइड बाय 4411 यार है 1.34%। 1.34 या किसी के पास 3.5 आ रहा होगा, ठीक। मतलब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% प्लस 1.35%, मतलब अप्रोक्सीमेटली 11.35%। अगर आप ऑब्वियसली 4 figures में लोगे तो ज्यादा आएगा, 6 figures में लोगे तो और ज्यादा आएगा। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे तो IRR जनरली आपको 2 figures तक कैलकुलेट करना होता है एंड 11.34 या 3.5 में भी इंस्टीट्यूट मार्क्स दे देगा। अब फिर से एक बार बता देता हूं हमने किया क्या। हमने बोला क्या इंस्टीट्यूट ने हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है? नहीं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी गिवन नहीं होगा ना, तो ये चीज आप अपने बुक में एज अ नोट लिखोगे एंड हाईलाइट कर दोगे कि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है आपको IRR कैलकुलेट करना पड़ेगा। कौन सा रेट अप्लाई करके? इंटरपोलेशन मेथड अप्लाई करके। इंटरपोलेशन मेथड क्या होता है? इंटरपोलेशन मेथड बोलता है एक काम करो, किसी भी रेट को अज्यूम कर लो, 5, 10, 15, ऑन अ सेफर साइड हमने 10% लिया। अब 10% से डिस्काउंट किया तो हम लोग किधर तक पहुंचे? 152977। मुझे पहुंचना किधर था? 1.50। अब 152 से मतलब मुझे ज्यादा वैल्यू कम करनी है। अब मुझे वैल्यू ज्यादा कम करनी है तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, और पीछे लाने के लिए ज्यादा ताकत से पुल करना पड़ेगा। अब देखो मैं समझा क्या रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो 50,000 है पहले इंस्टॉलमेंट वाला, ध्यान से देखेंगे, 50,000 है पहले इंस्टॉलमेंट वाला, 50,000 है दूसरे इंस्टॉलमेंट वाला, 30,000 है थर्ड इंस्टॉलमेंट वाला, 20,000 है फोर्थ इंस्टॉलमेंट वाला। इसे हम लोग क्या कर रहे हैं? इसे हम लोग पुल कर रहे हैं। इसे हम लोग क्या कर रहे हैं? ध्यान से देखो, इसे हम लोग पुल कर रहे हैं। पुल कर रहे हैं मतलब 50,000 को 1 साल पीछे खींच रहे हैं, 50,000 को 2 साल पीछे खींच रहे हैं, ये 30,000 को 3 साल पीछे खींच रहे हैं, ये 20,000 को 4 साल पीछे खींच रहे हैं। अब ध्यान से देखो, अगर आपको किसी को ज्यादा दूर तक खींचना है तो आपको पुल करने की ताकत को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अकाउंट्स की क्लास है, फिजिक्स की क्लास है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सारे कंसेप्ट आपको बता दे रहा हूं। अगर मुझे किसी चीज को ज्यादा दूर तक खींच के लाना है तो मुझे ज्यादा पावर से खींचना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से अगर 50,000 को मैंने 10% से खींचा, 10% से, 10% से, 10% से, तो वो कितना आ रहा है? 152977। वो सिर्फ किधर तक पहुंचा? वो सिर्फ ये इधर किधर तक पहुंचा, किधर तक? इधर तक पहुंचा मान लो 152977 तक। लेकिन मुझे खींच के किधर लाना है? मुझे खींच के 1.5 लाख से लाना है, मतलब और पीछे खींचना है ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाओ, खींचने की इंटेंसिटी को बढ़ाओ, फिगर बाय डिफॉल्ट 1.5 लाख तक आएगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाना मतलब क्या? आप 11% ले सकते हो आप, लेकिन सजेस्टेड रहता है 2-5% का गैप रखो ताकि कैलकुलेशंस एक्यूरेट आए। आप 15% भी ऑन अ सेफर साइड रख के खींच सकते हो। जैसे ही मैंने ज्यादा इंटेंसिटी से खींचा तो वो ज्यादा खींच गया एंड किधर लेकर आ गया? देखो देखो, देखो इधर लेके आ गया 148। कितना आ रहा है? 1485। एक मिनट, तो कितना आ रहा है? 1485 क्या हुआ? 1485 मतलब पहले खींचा तो 152 पे रुक गया, अभी थोड़ा जोर से खींचा तो 148566। अब सर कौन से रेट से खींचूं ताकि वो एग्जैक्टली 1.5 लाख पर आए? इसी 1.5 लाख के एग्जैक्ट रेट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं इंटरपोलेशन मेथड। एंड जो हमारा इंटरपोलेशन मेथड कहता है, इंटरपोलेशन मेथड क्या कहता है? बोला 10% से खींचा तो किधर तक आए? 152 तक। 12% से खींचा तो कितना है? 148 तक आए। मतलब 2% ज्यादा से खींचने के कितना डिफरेंस हो रहा है? 4411 का अपने को कितना डिफरेंस कैप्चर करना है? बस ये वाला डिफरेंस अपने को कैप्चर करना है। तो 2% के डिफरेंस में अगर 4411 का डिफरेंस आ रहा है तो 2911 का डिफरेंस कितने में? उस हिसाब से हमने क्या कर लिया? कैलकुलेट कर लिया।
कितना आया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट? ये देखो है ना, अब इधर जो क्लास के जो बुक है, बुक में हमने कैसे कैलकुलेशन किया है सर? बुक में देखिए, उसने पहला रेट लिया 11%, इंटरपोलेशन मेथड का कैलकुलेट देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम श्योर जो 11.41 है, हमारा 11.35 आया है। तो एग्जाम में अब जैसे इन्होंने क्या किया है, लोअर रेट अज्यूम किया है, चेंज इन रेट मतलब वही 12-10 2%, चेंज रिक्वायर्ड कितना है हमारा 29, कितना चेंज रिक्वायर्ड है हमारा 2972, ठीक है। चेंज इन डीसीएफ कितना हो रहा है 4411, उसके कारण हमारा 11.35 आ रहा है। श्योर इन्होंने क्या किया है, हायर रेट इन्होंने जब 15% लिया है ना, अब अगर आप रेट चेंज करोगे, अब अगर आप रेट चेंज करोगे तो फॉर श्योर आपका आंसर भी क्या होना है, चेंज होना है, ठीक है। अगर आप रेट चेंज करोगे तो फॉर श्योर आपका आंसर भी क्या होना है, चेंज ही होना है, फॉर श्योर आपका आंसर भी चेंज ही होना है। लेकिन एग्जाम में कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं, एग्जाम में आप 12 कंसीडर करो, 15 कंसीडर करो, आंसर में कोई दिक्कत आएगा नहीं। मेथड देख लो बस कैलकुलेशन का कैसा है। अब ये जो हमने कैलकुलेट किया कौन सा रेट, 11.35 है ना, एक काम करता है, इसे हम लोग 11.35% ले लेते हैं। अब 11.35% सर इतनी मेहनत से कैलकुलेट किया, एक बार देख तो लेते हैं ये 11.35% काम कर रहा है क्या। जरूर 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 जरूर, और एक टेबल आप बनाएंगे अपने बुक में, और एक टेबल आप बनाएंगे, बिकॉज बेटा 11.35% कैलकुलेट तो किया, लेकिन बैक टेस्टिंग करके अप्लाई भी तो देख करना पड़ेगा कि क्या ये अप्लाई हो रहा है या अप्लाई नहीं हो रहा है ना। बैक टेस्टिंग करके देखना भी तो पड़ेगा कि क्या ये चीज काम कर भी रही है क्या, काम नहीं कर रही है। आ जाओ देख लेते हैं, आ जाओ क्या करते हैं बेटा, देख लेते हैं, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 11.35%, ठीक है। बताएंगे ओपनिंग बैलेंस कितना है मेरा, 1.5 लाख रुपए। ईयर जीरो में कुछ इंटरेस्ट होगा क्या? नहीं। टोटल कितना बन जाएगा? 1.5 लाख रुपए। इंस्टॉलमेंट कितना गिवन है? 30,000। कितना बचा? 1,20,000। लिख लीजिए इधर कितना हो जाएगा, 1,20,000 इंटू 11.35%, ये होगा अप्रोक्सीमेटली 13,620। प्लस करोगे 1,3,620, ये इंस्टॉलमेंट 50,000 है, ये इंस्टॉलमेंट 50,000 है, ये इंस्टॉलमेंट 30,000 है, ये इंस्टॉलमेंट 20,000 है, ठीक है। 1,3,620 माइनस आप करोगे 50,000, कितना होगा 8,3,620, ये होगा 8,3,620 इंटू 11.35%, 9,491। प्लस कर दोगे 9,3,311, माइनस कर दोगे 50,000, 4,3,111। इधर लिखोगे 4,3,111 इंटू 11.35%, योगा 4,893 प्लस इज इक्वल टू, करो बेटा 4,8,04 है ना, कैलकुलेशन में तो आपकी स्पीड है ही फास्ट, माइनस 30,000, कितना हो जाएगा 1,8,004, 1,8,004 ये हो जाएगा 20,000। तो अप्रोक्सीमेटली ये 1,996 होगा है ना, मतलब सर 1,8,004 इंटू 11.35% कितना हो रहा है, 2,043 हो रहा है, लेकिन 1,996 लेना पड़ेगा ताकि ये 20,000 आ जाए एंड ये जीरो आ जाए। थोड़ा आसपास का रेट चलता है क्या? यस, आसपास का रेट चलता है, मतलब हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि ये 11.35% लगभग सही है, ठीक है। बोलो रे, अरे बोलो, समझ में आया क्या? देखते ही देखते अगला सिचुएशन हो गया। आज हमने दो सिचुएशन कंसिडर किए है ना, लास्ट लेक्चर में जो सिचुएशन देखे थे आज हमने और दो सिचुएशन देखे। पहला कौन सा सिचुएशन देखा, जब हमको कैश प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट्स गिवन है, कैश प्राइस नहीं गिवन, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन, सिर्फ इंस्टॉलमेंट्स गिवन है। एंड अगला केस देखा कि कैश प्राइस गिवन है, इंस्टॉलमेंट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन है, तो इधर हमने क्या अप्लाई किया, इंटरपोलेशन मेथड, इधर हमने क्या अप्लाई किया, इंटरपोलेशन मेथड, इधर हमने क्या अप्लाई किया, इंटरपोलेशन मेथड। अब चलिए और एक टाइप की कैलकुलेशन में देखते हैं। सर क्या ये चैप्टर पूरा अकाउंट कैलकुलेशन कैलकुलेशन ही है? सर ये ना हमको लग रहा है हम किसी एलजेब्रा की क्लास में आ चुके हैं, बिकॉज बचपन में जब हम एलजेब्रा की क्लास में बैठा करते तभी भी ऐसा ही होता, ये फिगर एक्स है, इससे ये फाइंड आउट करो, इससे ये फाइंड आउट। अरे नहीं रही, अभी क्या है, अभी बस सिचुएशन नंबर 5 एनयूटी मेथड बचा है, डन। सिचुएशन नंबर 5 एनयूटी मेथड बचा है, फिर सिचुएशन नंबर 6 से हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने ये जो पहला 1.5 लेक्चर है,
इसे कैलकुलेशन में डिवोट क्यों किया? बिकॉज बिलीव मी आगे हमें देखनी है बेटा अकाउंटिंग, एंड जितना जिस बच्चे का कैलकुलेशन का बेस स्ट्रांग होगा ना उतना उसे अकाउंटिंग में दिक्कत नहीं जाने वाली। ठीक है, कैलकुलेशन का बेस स्ट्रांग रखो ताकि अकाउंटिंग के टाइम पे आप सिर्फ अकाउंटिंग में ध्यान दे पाओ एंड तब आपको इन कैलकुलेशंस में उलझना ना पड़े। एंड बिलीव मी जितने भी टाइप के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट सोच सकता है ना सारे टाइप के केसेस मैंने कवर कर लिए। अब अगला क्या है, एनुटी मेथड। एनुटी मेथड क्या बोल रहा है, कैश प्राइस इज इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट इनटू एनुटी फैक्टर। अब एनुटी फैक्टर क्या होता है ध्यान से देखो, इसी डायग्राम में आ जाओ, सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा। क्या होता है एनुटी मेथड, क्या होता है सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा ध्यान से, है ना। ये आई है, आई मतलब किस रेट से खींचना पड़ेगा, क्या हमने कैलकुलेट कर लिया है जिस रेट से हमें खींचना है वो हमारा 11.35% है ना। बस आपको अप्लाई कर रहा हूं ताकि आपको बेटर समझ में आ सके, क्या हमने ये जो 11.35% का रेट हमें अप्लाई करना है, क्या हमें इस 11.35% रेट के बारे में पता है? यस। अब हमें क्या करना है, ये 50,000 को 11.31% से एक साल पीछे खींच के लाना है, मतलब 50,000 डिवाइडेड बाय 1.1135 है ना, 11.35 मतलब 1.1135 है ना, एक साल पीछे खींचना है तो योगा करो 1 डिवाइड बाय 1.1135 कितना होगा 0.8981, कितना होगा 0.8981। ये क्या है, दिस इज माय एन्युटी फैक्टर। ये क्या है मेरा एन्युटी फैक्टर, मतलब जितना भी अमाउंट एट द एंड ऑफ वन ईयर है अगर उसको एक साल पीछे खींच के लाना है एट द रेट ऑफ 11.31% तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50,000 से, सॉरी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.8931। अब एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर जो फिगर है उसको आपको कितना खींचना है, दो साल पीछे खींचना है। कैसे कैलकुलेट करोगे, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर। फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है एनुटी का 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर रेस टू एन, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर रेस टू एन फॉर्मूला होता है। अब अगर एक साल बाद वाला खींचना है तो 1 डिवाइड बाय 1.1135 एक बार किया, दो बार पीछे खींचना है क्या करोगे, 1 डिवाइड बाय 1.1135 इज इक्वल टू एक साल पीछे खींचा और एक बार इज इक्वल टू दो बार पीछे खींचा, योगा 0.8062 कितना होगा 0.8062। समझ में आ रहा है क्या एनुटी मतलब क्या सर, एनुटी मतलब पीछे खींचने के लिए कैसे खींचेंगे उसको। अब जैसे जब हमारा थर्ड ईयर की बात आ रही है तो एन क्या हो जाएगा 3, कैसे करेंगे 1 डिवाइड बाय 1.1135 इज इक्वल टू एक बार एक साल पीछे खींचने के लिए, इज इक्वल टू दो बार दो साल पीछे खींचने के लिए, इज इक्वल टू तीन बार पीछे खींचने के लिए कितना होगा 0.7243 कितना होगा 0.7243। अब बात करेंगे 20,000 की, इसके लिए एन कितना है 4, बिकॉज इसको कितने साल पीछे खींच के लाना है 1.5 लाख तक लाने के लिए 4 साल, करिए 1 डिवाइड बाय 1.1135 एक बार दो बार तीन बार चार बार कितना हो रहा है 0.6505 कितना हो रहा है 0.6505। अब ये सारे मेरे क्या हो गए एन्युटी फैक्टर हो गए, ये सारे मेरे क्या हो गए, ये सारे के सारे मेरे हो गए एन्युटी फैक्टर। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि ये जो एन्युटी फैक्टर है क्या ये एक्चुअली में वर्क कर भी रहा है, कैसे वर्क करेंगे प्रैक्टिकली अप्लाई करके, करिए। ये जो 50,000 है कैलकुलेटर पर ध्यान देंगे सारी चीजें समझेंगे, ये जो हमारा 50,000 है इंटू 0.8981 4,9905 कर देंगे मेमोरी में प्लस, ये वाला जो 50,000 है कर लीजिए 50,000 इंटू 0.8002 है या 8062 है, शायद 8062 है ठीक है, इज इक्वल टू कर देंगे मेमोरी में प्लस, देन 30,000 इंटू 0.7243 योर है 21729 मेमोरी में प्लस, देन 20,000 इंटू 0.6505 ये होगा 13010 मेमोरी में प्लस। एंड ये जो पहला 30,000 है क्या इनिशियल 30,000 को डिस्काउंट करने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं, तो डायरेक्टली 30,000 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल कितना आ रहा है 149954 कितना आ रहा है 149954 मतलब क्या अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख आ रहा है। यस एग्जैक्टली मैच होगा नहीं बिकॉज हमने दो फिगर्स में ही लिया है और डिटेल में लेंगे तो ज्यादा जाएगा, लेकिन क्या अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख आ रहा है। यस अब यही तो यह है, यही रेट 8981800272436505 इसको क्या कहा जाता है एन्युटी फैक्टर, इसको क्या कहा जाता है बेटा एन्युटी फैक्टर। अब ध्यान से देखो, अब और एक चीज बताता हूं ध्यान से देखो,
ये जो सारे के सारे इंस्टॉलमेंट्स है ना, ये 50,000 को हमने एक साल पीछे खींचा, इसे 2 साल, इसे 3 साल एंड इसे 4 साल एंड अलग अलग एनुइटी से मल्टीप्लाई किया। लेकिन मान लो कि मेरे चारों इंस्टॉलमेंट ना सेम होते, सेम मतलब ये भी 30,000 होता, ये भी 30,000 होता, ये भी 30,000 होता, ये भी 30,000 होता, तो मैं कैलकुलेशन कैसा करता सर? सिंपल, ये जो 30,000 है इसको इंटू 0.8981, ये जो 30,000 है 0.8002, ये जो 30,000 है इसको 0.7243, ये जो 30,000 है इसे 0.6505। या तो ऐसे कर सकता, या तो शॉर्टकट क्या होता सर, शॉर्टकट होता मैं सिंपली कंसिडर कर लेता एक बार 30,000, सिंपली एक बार 30,000 कंसिडर करता एंड ये चारों को ऐड कर लेता एनुइटी फैक्टर्स को, मतलब 0.8981 प्लस 0.8062 प्लस 0.7243 प्लस 0.6505, ठीक है, ये आ गया 3.0791। डायरेक्टली 30,000 इंटू 3.0791 कर दो, कितना होगा 92373, कितना हो जाएगा बेटा 92373। सिंपल है, आप ऐसे करोगे तो भी 92373 आएगा। अगर आप पहले 30,000 को 8981 से देन 8002 7243 8505 से भी क्या होता, सेम ही आता। मतलब इन शॉर्ट क्या कहना चाहता हूं, इन शॉर्ट कहना चाहता हूं ये सारे मेरे क्या है, एनुइटी फैक्टर्स है। एंड अगर आप इंस्टॉलमेंट को एनुइटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे आपका कैश प्राइस आएगा। एक काम करो, क्वेश्चन ही देख लेते हैं ना, एक काम करते हैं क्वेश्चन ही देख लेते हैं। ऑन 1st April 2021 अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बायर्स अ हायर परचेज सिस्टम मशीनरी 90,000 पेबल इन 3 equal इंस्टॉलमेंट्स कंबाइनिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 5% पर एनम, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट दैट द पीवी ऑफ एनुटी रुपीज 1 3 years 5% इज 2.27। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है ना, कि अगर आप 1 रुपए को 5% से 3 साल तक खींच के ला रहे हो, मतलब मान लो एट द एंड ऑफ ईयर 1 1 रुपए है, एट द एंड ऑफ ईयर 2 1 रुपए है, एट द एंड ऑफ ईयर 3 1 रुपए है, एंड अगर आप इन तीनों रेट को खींच के ला रहे हो प्रेजेंट वैल्यू पे, कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5%, अगर आप इन तीनों को खींच कर ला रहे हो कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5% से, तो जो एनुटी हो रही है ना, इधर हमने देखा था इधर कुछ एनुटी आती है पॉइंट में 1/1.05 करने के बाद, 1 साल खींचने के बाद, 2 साल खींचने के बाद, 3 साल खींचने के बाद, इन तीनों का जो टोटल होता है ना, इन तीनों का जो टोटल होता है ना, ये कितना टोटल हो रहा है 2.723। अब क्वेश्चन मुझे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन मुझे कैश प्राइस बोल रहा है सर। सिंपल है, इंस्टॉलमेंट कितना है 30,000, मैंने आपको बोला था, मैंने आपको क्या किया था 90,000 पेबल बाय 3 equal एनुअल इंस्टॉलमेंट्स कंबाइनिंग द प्रिंसिपल प्लस द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब 90,000 तीन इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, तो एक इंस्टॉलमेंट कितना हो गया 30K एंड 30K, ठीक है। अब या तो आप 30,000 को ईयर 1 के एनुइटी फैक्टर से अलग, ईयर 2 के एनुइटी फैक्टर से अलग, ईयर 3 के एनुइटी फैक्टर से अलग मल्टीप्लाई करो, या सिंपली क्या करोगे डायरेक्टली 30,000 को तीनों एनुइटीज के टोटल से मल्टीप्लाई करो। वही किया हमने, क्या किया, डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट इनटू एनुइटी फैक्टर, बिकॉज डाउन पेमेंट में एनुइटी होती नहीं है। क्या क्वेश्चन में कुछ डाउन पेमेंट गिवन है, नहीं, जीरो, लेकिन इंस्टॉलमेंट इनटू एनुइटी फैक्टर, एक इंस्टॉलमेंट कितना है 30,000 का एंड टोटल ऑफ एनुइटी फैक्टर्स, मतलब सर ये और ये का टोटल किया तो कितना हो जाएगा 2.7232, जो जनरली क्वेश्चन में गिवन है, एंड नहीं भी होता तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते। कितना आ रहा है कैश परचेज प्राइस 81696, कितना आ रहा है कैश परचेज प्राइस 81696। अब दो अल्टरनेटिव्स है कैलकुलेट करने की, या तो ऐसे कैलकुलेट करो, या तो ये हमें फॉर्मूला गिवन है, ठीक है, ये हमें फॉर्मूला गिवन है, एग्जाम में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्या, नहीं, बिकॉज अगर एनुइटी मेथड से कैलकुलेशन देगा तो वो डायरेक्टली आपको एनुइटी फैक्टर देगा, आई एम श्योर अबाउट दैट, ठीक है। ये देखो एनुइटी मेथड में कैश परचेज प्राइस क्या होता है, इट इज द डाउन पेमेंट, उसमें कोई मल्टीप्लीकेशन होता नहीं है बिकॉज वो तो ईयर जीरो पे ही खड़ा है, एंड जो सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट है उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एनुइटी फैक्टर। एनुइटी फैक्टर कैसे होता है, 1/1+r^n, है ना, एनुइटी फैक्टर का कैलकुलेशन कैसे होता है, इट इज सिंपली 1/1+r^n, 1/1+r^n, एंड वी आर डन। क्या वी आर डन विद द चैप्टर, अरे नहीं रे, अरे अभी तो एक्चुअली में हमने इज्जत से चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ हमने कैलकुलेशन
एंड कैलकुलेशन ही देखें। चलिए जल्दी से 5 मिनट में आज के लेक्चर में जो भी नए मेथड देखे उसे मैं बता देता हूं। एंड बिलीव मी, हमने वर्स्ट से वर्स्ट केस वाले सिनेरियोस देख लिए। जनरली तो आपको एग्जाम में जो पहले एक दो मेथड्स होते हैं ना कि कैश प्राइस देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, इंस्टॉलमेंट देगा, या इंस्टॉलमेंट देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, कैश प्राइस नहीं देगा, उसमें ही सब निपट जाता है। लेकिन ये सारी चीजें मैंने आपको बताया कि अगर आया तो मुझे पता है कि 10 में से 8 या 9 बार पेपर ईजी ही आता है, उसकी तो तैयारी हम लोग कर ही रहे। लेकिन मान लो एक बार 10 अटेम्प्ट में से पेपर खराब आ गया एंड वही अटेम्प्ट आपका रहा, तो आई डू नॉट वॉन्ट कि मेरा एक भी स्टूडेंट स्ट्रगल करे। ठीक है, बता देते हैं जल्दी से आज हमने क्या पढ़ा। सर आज हमने अगली मेथड पढ़ी, मेथड नंबर 3, जिसमें कैश प्राइस गिवन है, नहीं दिए हुए, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, नहीं गिवन है, इंस्टॉलमेंट्स गिवन है क्या, हाँ। अब इंस्टॉलमेंट अगर मेथड नंबर 3 का क्वेश्चन आया तो हमने देखा एक चीज मैंडेटरी उसे देनी पड़ेगी, एंड द थिंग इज कि द प्रिंसिपल कंपोनेंट इन ईच इंस्टॉलमेंट इज सेम। हम लोगों ने इक्वेशन लगाया, साइमल्टेनियस इक्वेशन करके सॉल्व कर लिया, नीचे से ऊपर जाके सिंपली हमने सॉल्व कर लिया। अगली मेथड नंबर 4 क्या है, कैश प्राइस गिवन है, यस, मतलब हमें हमारी मंजिल पता है किधर तक जाना है, यस। इंस्टॉलमेंट्स पता है किधर से शुरू करके जाना है, यस। किस रेट से खींचेंगे कि वो आएगा उसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरपोलेशन मेथड, रैंडम पहले कोई भी रेट ले लेना, देखो कि एग्जैक्ट फिगर चाहिए, अगर उसके आगे पहुंचे हो तो ज्यादा ताकत से खींचना पड़ेगा, रेट बढ़ाएंगे, अगर पहले आ गए तो सर कम ताकत से थोड़ा ढीला छोड़ना पड़ेगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देंगे, एंड अकॉर्डिंगली इंटरपोलेशन मेथड से आप कैलकुलेट कर लोगे। एंड लास्टली आता है एनुटी मेथड। सर एनुटी होता क्या है, इस टेबल में आप देखोगे, आई एम श्योर आपको FM वाले लेक्चर ज्यादा अच्छे से समझाएंगे, FM में आपको ज्यादा डिटेल में कवर्ड है, लेकिन अकाउंट्स में जितना रिलेवेंट है उतना मैंने आपको बता दिया। एनुटी मतलब सर पुल करने के लिए जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहेगा उसको कहा जाता है एनुटी, पुल करने के लिए कैश फ्लोज को पुल करने के लिए जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है उसको क्या कहा जाता है, एनुटी। अब ऑब्वियसली एनुटी फैक्टर ईयर 1 के लिए कम होगा, एक ही साल पीछे खींचना है, 2 के लिए ज्यादा होगा, 2 साल खींचना है, 3 के लिए और ज्यादा होगा, 3 साल पीछे खींचना है, एंड फोर्थ ईयर के लिए और ज्यादा होगा क्योंकि उसको 4 साल पीछे खींचना है रे। कितना पीछे खींचना है, 4 साल पीछे खींचना है, वो खींचना है, वो खींचना है, खींचना है। अब या तो आप अलग अलग अमाउंट है तो सबको इंडिविजुअल एनुटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, या अगर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम है तो आप सारे एनुटी फैक्टर्स को टोटल करके एक इंस्टॉलमेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे भी तो चलेगा। दोनों के हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके देखे, ठीक है। तो लेक्चर तो यहां खत्म नहीं हो रहा, लेकिन एक काम करो, छोटा सा ब्रेक ले लो, है ना, एक काम करो, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा, कितना छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा, 5 मिनट का ब्रेक ले लो। 5 मिनट के बाद आने के बाद हम लोग जो हमारा पॉइंट है, दैट इज अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ हायर परचेस। अरे कैलकुलेशन के लिए थोड़ी आए रे, कैलकुलेशन तो सपोर्टिंग रहता, हमको मेन क्या सीखना है, हमें मेनली सीखना है कि अकाउंटिंग कैसा होगी। सर हायर परचेसर के बुक्स में अकाउंटिंग कैसा होगी, हायर वेंडर के बुक्स में कैसे अकाउंटिंग होगी, सब सीखेंगे, सब सीखेंगे, सब सीखेंगे। लेकिन इस ठीक इस ब्रेक के बाद ब्रेक लेंगे एंड 5 मिनट में वापस आ जाएंगे लाइव वालों बच्चों के लिए। जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हो बड़ा, आपके लिए तो मैं ऑलरेडी 1.5 पे चल रहा हूं, है ना, कितने पे चल रहा हूं, सही नहीं सही बता, सही बताना, अपने मन पे हाथ रख के बताना कितने पे चल रहा हूं मैं, 1.5 पे या 1.75, मतलब ये जो मेरी मूवमेंट ऐसा इस स्पीड में हो रही है ना, आई एम श्योर आपके लेक्चर में इस मूवमेंट से हो रही होगी, ठीक है, श्योर है, मुझे पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देखो, बट मेक श्योर करो कि कंसेप्ट में 1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। बाकी आपके हाथ में मैं हूं, जब चाहे रोक दो, जब चाहे बोल दो। ब्रेक जो होगा लाइव वाले बच्चों के लिए, रिकॉर्डेड वाले बच्चों आपको तो लेक्चर कंटिन्यूटी में ही मिलेगा, लेकिन अगर आप चाहो तो पॉज करके ब्रेक लेके आके 5 मिनट के बाद फ्रेश दिमाग से बैठो, व्हेन वी स्टार्ट विद द एक्चुअल अकाउंटिंग, ठीक है, ओके बच्चों। हाँ जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और चलिए फिर जल्दी से, नाउ लेट अस स्टार्ट विद अ वेरी न्यू पार्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, जिसमें से जनरली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इज द अकाउंटिंग। अब आ जाइए इधर, अकाउंटिंग सिंपली बता दूंगा, सारी चीजें याद रह जाएंगी, ध्यान से देखना। हमने देखा था हायर परचेस के ट्रांजेक्शन में होते हैं 2 पार्टीज, हायर परचेस के ट्रांजेक्शन में जनरली होती हैं 2 पार्टीज। एक होता है जिसने आपको उधार पे माल सेल किया, हमने जो कल एग्जाम्पल लिया था उसमें कौन था, बेटा आलोक जो कार शोरूम का मैनेजर था, ये क्या था, ही वॉज हायर वेंडर।
मिस्टर आलोक जो शोरूम का मैनेजर था ही वॉज हायर वेंडर, एंड जो हमारी स्टूडेंट थी राखी, जो हमारी स्टूडेंट थी राखी है ना, देखो बड़े से बाल है, बड़े से बाल है, ठीक है, जो हमारी स्टूडेंट थी राखी, कूद रही है क्या राखी, अरे नहीं रही, ड्राइंग है सर। अब जो मेरी स्टूडेंट थी राखी, ये कौन थी, हायर परचेसर। अब इस चैप्टर में हमें किसकी बुक्स में अकाउंटिंग देखनी है? क्या ये चैप्टर हमें सिर्फ और सिर्फ आलोक दैट इज हायर वेंडर के बुक्स में अकाउंटिंग सिखाएगा, या ये चैप्टर हमें राखी इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर अकाउंटिंग बताएगा, या दोनों के बुक्स में? द करेक्ट आंसर इज सर, इस चैप्टर में ना हम दोनों के बुक्स में अकाउंटिंग देखेंगे। इस ट्रांजेक्शन इसमें ना हम दोनों के बुक्स में अकाउंटिंग देखेंगे। राखी जो अपने बुक्स में असेट का परचेज दिखाएगी वो कैसे अकाउंट करेगी, आलोक जो अपने बुक्स में वेंडर की तरह दिखाएगा वो कैसे दिखाएगा, सारी चीजें ओवर द ईयर्स अकाउंट कैसे होंगी, सारी चीजें हमको देखनी है। अब बताइए कि पहले किसके बुक्स में हमको अकाउंटिंग देखनी चाहिए, आप बताओ। आप जिसके बुक्स में बोलोगे ना, अगर आप बोलोगे पहले हायर वेंडर के बुक्स में अकाउंटिंग देखनी है तो उसमें देखेंगे, अगर आप बोलोगे हायर परचेसर के बुक्स में अकाउंटिंग दिखा दो, हायर परचेस के बुक्स में दिखा देंगे। क्या बोल रहे हो, लेडीज फर्स्ट, क्या बात है, चलो ठीक है, लेडीज फर्स्ट। अरे लेडीज फर्स्ट नहीं रहे, मेरा डिसाइडेड सीक्वेंस है, ऐसे ही मजाक कर रहा, बुक में वही डिसाइडेड सीक्वेंस है। तो सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर। आज हमें सीखना है अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर। अब हायर परचेसर के बुक्स में अकाउंट करने के बेटा दो तरीके होते हैं, आज हम लोग पहले तरीके को सॉल्व करेंगे एंड उसके हेल्प से क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे। दो मेथड्स होते हैं, द वेरी फर्स्ट मेथड, द वेरी फर्स्ट मेथड इज नोन, एक मिनट टीचर, हायर परचेसर के बुक्स में अकाउंटिंग कर, हाँ, द वेरी फर्स्ट मेथड इज नोन एज द कैश प्राइस मेथड। जो आज हम सीखने वाले हैं आज के लेक्चर में एंटायरली इज अ वेरी फर्स्ट मेथड जिसका नाम है कैश प्राइस मेथड। एंड सेकेंड मेथड जो है, जो हम लेटेस्ट लेक्चर लेटली लेक्चर्स में देखने वाले हैं, इज द इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। जो सेकेंड मेथड हमें गिवन है बुक्स में, इसका नाम है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली कैश प्राइस मेथड से क्वेश्चन बनता है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, बहुत रेयर एग्जाम्स में देखा गया है कि इंटरेस्ट सस्पेंस से क्वेश्चन बने, जनरली कैश प्राइस मेथड से क्वेश्चन बनता है, लेकिन हम लोग दोनों देखने वाले हैं। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कैश प्राइस मेथड से। अब अकाउंटिंग कैसे होगी, क्या होगी, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले हमको लॉजिक करने हैं डेवलप। आप मुझे बताइए, जो हमारा हायर परचेस का ट्रांजेक्शन हुआ करता, हायर परचेस के ट्रांजेक्शन में जो हमारी कार थी है ना, कार बना लेते हैं बीएमडब्ल्यू X7, ये हमारी कार थी, यस, जो हमने हायर परचेस पे खरीदी, फिर से दो टायर, चलो ठीक है, चार टायर, ये हमारी कार है जो हमने हायर परचेस पे खरीदी। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, ये जो कार है इसका पोजीशन, नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, ध्यान से देंगे चैट में सारे बच्चे आंसर देंगे, इस कार का पोजीशन राखी के पास कब आ गया? इस कार का पोजीशन सर राखी के पास जिस दिन उन्होंने डाउन पेमेंट पे किया। चैट में सारे बच्चे करेक्टली डाल रहे, आई एम वेरी हैप्पी। जिस दिन आपने डाउन पेमेंट पे किया उस दिन कार का पोजीशन आपके पास आया, ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए गाड़ी की ओनरशिप आपके पास किस दिन आई? आप मुझे बताइए गाड़ी की ओनरशिप आपके पास किस दिन आई, गाड़ी आपके नाम पे कब ट्रांसफर हुई? सर हमने देखा है ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, बताइए, पढ़ रखी हमने ये चीज, बताइए पढ़ रखी हमने ये चीज कि गाड़ी का पोजीशन मेरे पास कब आएगा, जब डाउन पेमेंट पे किया जाएगा, लेकिन गाड़ी का ओनरशिप मेरे पास कब आएगा, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे किया जाएगा। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि ये जो कार है, क्या जो राखी है, राखी अपने बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर ये कार को लेके आ रही है तो ये कार असेट तो है? अगर राखी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस कार को लेके आ रही है तो ये कार असेट तो है, बट माय क्वेश्चन टू यू इज कि राखी अपने बुक्स में इस कार को एज एन असेट किस दिन से दिखाएगी? बिकॉज सर हमको पता है जिस दिन डाउन पेमेंट पे होता है एंड जिस दिन लास्ट इंस्टॉलमेंट पे होता है उसमें कई सालों का डिफरेंस होता है। अब अगर आपने आज के दिन ही, माय क्वेश्चन टू यू इज कि मैं अपने बुक्स में असेट किस दिन दिखाऊंगा? पहला ऑप्शन पॉसिबल है, सर मैं ना जिस दिन गाड़ी का पोजीशन मिलेगा, ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, आई एम श्योर बच्चों को जब कहा गया तो आई एम श्योर चैट में भी मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का यही आंसर है कि सर जब ओनरशिप आपके नाम पे होगी ना तब असेट को रिकॉर्ड करो। अगर असेट आपकी है ही नहीं,
अगर असेट का आपके पास बेचने का हक है ही नहीं तो आप अपने बुक्स में उसको असेट कैसे दिखा सकते हो। तो मेजोरिटी ऑफ दी स्टूडेंट्स का इनिशियल थिंकिंग तो आई एम श्योर यही रही है कि सर लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट के टाइम पे उसमें बता दो। लेकिन बेटा फिर गलत नहीं हो जाएगा क्या? मान लो ये था ईयर जीरो एंड मान लो जो लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड था एट द एंड ऑफ ईयर फोर। लास्ट इंस्टॉलमेंट कब पे हुआ? एट द एंड ऑफ ईयर फोर। अब ये तो ऐसी बात हो गई ईयर वन में, ईयर टू में, ईयर थ्री में, ईयर फोर में मैंने असेट को तो यूज किया लेकिन असेट मेरे बुक्स में दिख ही नहीं रही है। अब अगर असेट मेरे बुक्स में नहीं दिख रही है तो प्रॉफिट ओवरस्टेटेड है क्या? यस। आपको लगेगा सर प्रॉफिट ओवरस्टेटेड कैसा है? अगर मैं पोजीशन वाले दिन ही असेट को मेरे बुक्स में दिखा देता तो क्या ईयर वन में डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज होता? जरूर होता। ईयर टू में डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज होता? जरूर होता। ईयर थ्री में डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज होता? जरूर होता। ईयर फोर में डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज होता? जरूर होता। लेकिन सर अगर आपने एट द एंड ऑफ ईयर फोर असेट को अपने बुक्स में दिखाया ना तो डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। एंड अगर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा तो आपका प्रॉफिट ओवरस्टेटेड दिखेगा। मतलब सर ये दिक्कत तो है, मतलब सर ये वाली दिक्कत तो है ओनरशिप की, सर दिक्कत तो है। ठीक है सर, मान लिया चलो ठीक है लास्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पे नहीं। एक काम करते हैं सर डाउन पेमेंट के टाइम पे बताएंगे। अरे डाउन पेमेंट के टाइम पे कैसा बताओगे? जैसे आपने डाउन पेमेंट पे किया अगर आपने अपने बुक्स में असेट दिखा दी फिर एक दिक्कत आ सकती है ना। मतलब सर असेट आज तक आपके नाम पे हुई नहीं लेकिन आप अपने बुक्स में असेट दिखा रहे हो। सर असेट आपके नाम पे ट्रांसफर हुई नहीं लेकिन आप फिर भी उस असेट पर क्या चार्ज कर रहे हो? डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो। क्या चार्ज कर रहे हो? डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो। सर कंफ्यूज मत करो, सर आप हमें सपोर्टिंग पॉइंट्स दे रहे हो ओनरशिप वाले की भी, आप हमें सपोर्टिंग पॉइंट्स दे रहे हो पोजीशन के भी। अब आप लॉजिकली सोचकर बताइए कि कब रिकॉर्ड करना चाहिए। मैंने आपको दोनों केस में क्या क्या लैक्यूनाइज है वो बता दिए, दोनों केस में क्या क्या लैक्यूनाइज है वो बता दिए। एंड द फाइनल वर्डिक्ट हियर इज, जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आने वाला एंड दैट इज द करेक्ट आंसर, कि जिस दिन आपने डाउन पेमेंट पे किया आप उसी दिन अपने बुक्स में असेट को रिकॉर्ड दोगे। सर कैसा? सर कैसा? क्या ये असेट डाउन पेमेंट पे करने वाले दिन मेरे नाम पे हुई? नहीं सर। अगर असेट आपके नाम पे नहीं है तो आप उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज एन असेट क्यों दिखा रहे हो? मैं बोल रहा हूं बेटा उसका रीजन है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। आपने सुना होगा ना सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या होता है? सर दिख कुछ और रहा है लेकिन एक्चुअली में है कुछ और। सर ये ट्रांजेक्शन भले ही दिख रहा है कि आपके नाम पर असेट ट्रांसफर नहीं हुई है लेकिन क्या असेट का पोजीशन आपके पास आ चुका है? हाँ। क्या इस असेट को आप यूज करने वाले हो? हाँ। क्या इस असेट पे जो भी खर्चा होगा वह करवाने वाले हो? हाँ। अगर इस असेट पे कुछ डैमेज हुआ तो वो खर्चा किसको बेयर करना पड़ेगा? आपको ही पे करना पड़ेगा। भले ये ट्रांजेक्शन इन फॉर्म ऐसा दिख रहा है कि असेट आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं हुआ लेकिन इन सब्सटेंस ऑन द डेट ऑफ पोजीशन लेते ही इस असेट के जितने भी सारे के सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड है ना, रिस्क मतलब अगर गाड़ी ठोका तो रिपेयर्स का खर्चा, रिवॉर्ड जो है ना जो मतलब गाड़ी चला के आप बेनिफिट लोगे, गाड़ी चला के आप जो बेनिफिट लोगे या गाड़ी किसी को रेंट पे दो के आप बेनिफिट लोगे, गाड़ी के सारे रिस्क, गाड़ी के सारे रिवॉर्ड्स, आप बताइए आपके नाम पे किस दिन ट्रांसफर हो रहे हैं? सर सारे के सारे उसी दिन ट्रांसफर हो जा रहे हैं जिस दिन मेरे पास असेट का पोजीशन मिला। तो क्या हुआ? असेट मेरे नाम पे ट्रांसफर नहीं हुई लेकिन अकाउंटिंग बोलता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म फॉलो करो। एंड एज पर द कंसेप्ट ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म, जिस दिन मुझे गाड़ी का पोजीशन मिला, जिस दिन मुझे गाड़ी का पोजीशन मिला मैं उसी दिन क्या करूंगा? मैं उसी दिन असेट को अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लूंगा। ठीक है चलो ठीक है। अब हमने देख लिया ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, लिखते हैं ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, क्या अकाउंटिंग होगी? हायर परचेसर के बुक्स में देख रहे हैं। आपने बोला सर असेट अकाउंट डेबिट होगा, आपने कहा असेट अकाउंट डेबिट होगा, असेट में अपने बुक्स में बताऊंगा। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि मैं अपने बुक्स में असेट को किस वैल्यू पर दिखाऊंगा। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि मैं असेट को अपने बुक्स में किस वैल्यू पर दिखाऊंगा। बेटा दो ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन है कैश परचेस प्राइस, पहला ऑप्शन है कि मैं असेट को अपने बुक्स में कैश परचेस प्राइस पर दिखाऊं, सेकंड ऑप्शन है कि मैं अपने बुक्स में असेट को हायर परचेस प्राइस पर दिखाऊं। बताओ क्या मैं अपने बुक्स में असेट को कैश परचेस प्राइस पे बताऊं? जो हमारे ओरिजिनल एग्जांपल में जो एकदम वेरी फर्स्ट एग्जांपल था कितना था? 55 लाख। या मैं अपने बुक्स में असेट को हायर परचेस प्राइस पे दिखाऊं, दैट इज जितना मैं टोटल पे कर रहा हूं 65 लाख। अब जिन स्टूडेंट ने
AS10 पढ़ रखा है, या जिन स्टूडेंट्स ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन अच्छे से पढ़ रखा है, उन स्टूडेंट्स को पता होगा कि जिस कंडीशन में आपको असेट को यूज करना है उस कंडीशन में लाने तक के अगर आपके जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है, आप AS16 भी देखोगे बोरोइंग कॉस्ट। अब AS16 बोरोइंग कॉस्ट भी कहता है अगर आपने बोरोइंग कॉस्ट इनकर किया है, क्या इस ट्रांजेक्शन में मैंने इंटरेस्ट किया, यस। अब बोरोइंग कॉस्ट मतलब ये थोड़ी होता है जो आपने सिर्फ बैंक को पे किया, अगर आप अपने जो वेंडर है उसको भी एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो तो वो भी बोरोइंग कॉस्ट हो गया। AS16 बोरोइंग कॉस्ट सिंपली क्या कहता है, अगर आपने किसी असेट के कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए कोई बोरोइंग कॉस्ट इनकर किया है, टिल द डेट द असेट इज रेडी फॉर यूज इन द कंडीशन, आप उस पर कैपिटलाइज कर सकते हो, उसके बाद आप उस कॉस्ट ऑफ द असेट में कैपिटलाइज नहीं कर सकते। मतलब जिस दिन मैंने कार खरीदी क्या वो कार रेडी टू यूज थी, यस। अब अगर वो कार रेडी टू यूज है तो उस पर जितना भी इंटरेस्ट चार्ज हुआ क्या आप उस इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हो, नहीं। क्या आप इस इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हो, नहीं। मतलब इसमें जो 10 लाख रुपीज का इंटरेस्ट है ना, आप इस 10 लाख रुपीज को इंटरेस्ट को कैपिटलाइज नहीं कर सकते एज पर AS16। क्या आप इस 10 लाख रुपीज को इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हो, नहीं। अगर मैं 10 लाख रुपीज के इंटरेस्ट को कैपिटलाइज नहीं करूंगा तो किधर ट्रांसफर करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस, किधर ट्रांसफर करूंगा P&L। मतलब आप बोल रहे हो कॉस्ट ऑफ असेट में कैपिटलाइज नहीं कर सकते, नहीं। मतलब अगर ये 10 लाख को कैपिटलाइज हम कर ही नहीं सकते तो असेट कितने पे रिकॉर्ड होगी, एट द ओरिजिनल कैश परचेज प्राइस 55 लाख। असेट कितने पे रिकॉर्ड होगी, ओरिजिनल कैश परचेज प्राइस 55 लाख। इस असेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा क्या, यस। कितने वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, 55 लाख पर, ठीक है। एंट्री क्या होगी, असेट अकाउंट डेबिट 55 लाख मैंने रिकॉर्ड कर दिया। ये किसकी बुक्स में अकाउंटिंग चल रही है, राखी के बुक्स में। असेट अकाउंट डेबिट मैंने 55 लाख कर दिया। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज टू क्या करूं, क्या मैं टू बैंक अकाउंट कर सकता हूं, नहीं। क्या मैं टू बैंक अकाउंट कर सकता हूं, नहीं। एक काम करो, टू बैंक अकाउंट लिखो एंड कट कर दो, टू बैंक अकाउंट लिखो एंड कट कर दो। सर टू बैंक अकाउंट क्यों नहीं कर सकता, अगर मैं आज पूरे पैसे देके असेट को खरीद के लाता तो टू बैंक अकाउंट करता। क्या मैंने आज पूरे के पूरे पैसे दिए, नहीं सर। सर आपने आज पूरे के पूरे पैसे नहीं दिए, आज आपने कितने पैसे दिए सर, 55 लाख में से आज आपने सिर्फ और सिर्फ 25 लाख रुपए पे किए। कितने पे किए, 25 लाख रुपए। तो आप करोगे असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, आप दिखाओगे ऑन द डेट ऑफ परचेज असेट आपने खरीदी फ्रॉम हायर वेंडर कितने में, 55 लाख रुपए। लेकिन 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 जिस दिन आपने असेट खरीदी आपने उसी दिन हायर वेंडर को कितना पेमेंट कर दिया, 25 लाख रुपए का कर दो एंट्री। हायर वेंडर के बनते कितने थे कैश परचेज प्राइस के नाम पे, 55 लाख रुपए। लेकिन आपने क्या किया, आपने 55 लाख में से 25 लाख रुपए उसी दिन पे कर दिया। मैं कस्टमर हूं, मैंने पे किया, मैं करूंगा टू बैंक अकाउंट, मैं करूंगा टू बैंक अकाउंट। आपने कितना पे किया है, 25 लाख रुपए। कितना पे किया है, 25 लाख रुपीस। कितना पे किया है आपने, 25 लाख रुपीस। अब क्या हो गया सर, अब उस पर्सन के 30 लाख रुपए पेंडिंग है। अब क्या हुआ, अब उस पर्सन के 30 लाख रुपए पेंडिंग है, अब मुझे और उनको 30 लाख रुपए देने हैं। अब ये मेरा ईयर जीरो है ना, ये मेरा ईयर जीरो की एंट्री है, ये मेरे ईयर जीरो की एंट्री है जिस दिन मैंने असेट को खरीदा। अब बात करते हैं ईयर वन की। अब लेट अस टेक एन एग्जांपल, हम लोग बात करते हैं ईयर वन की। अब ईयर वन में होगा क्या, अब ईयर वन में होगा क्या, मैंने मान लीजिए हमारा जो ओरिजिनल एग्जांपल था, किस दिन कार खरीदी थी, डेट याद है क्या किसी को, किस दिन कार खरीदी थी, 1st of April 2019। मान लीजिए मैंने जिस दिन कार खरीदी थी द डेट वॉज 1st of April 2019। आ जाइए इधर, ये 1st of April 2019 के दिन मैंने एंट्री करी। अब अगला मेरा दिन आ रहा है मान लो 31st March 2020, साल खत्म हो गया पूरा, अगला डेट कौन सा है, 31st March 2020। सबसे पहले बताइए ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन 1st April 2019 के दिन ही मुझे वेंडर को कितना पे कर देना चाहिए था, 55 लाख। लेकिन मैंने कितना पे किया, 25 लाख। मतलब इस पूरे साल के लिए, मतलब ये जो पूरा साल था, द डेट स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of April 2019 to 31st March 2020, इस पूरे के पूरे एक साल के लिए 30 लाख रुपीज आउटस्टैंडिंग था। आर यू विथ मी, बताएंगे सारे बच्चे, आर यू विथ मी, यस सर। इस पूरे साल के लिए ना वेंडर का 30 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग था। अब वेंडर क्या करेगा, वेंडर
इस 30 लाख रुपए पर आपसे इंटरेस्ट लेगा, है ना, पूरा पेबल था, जितना पे नहीं होगा उतना वेंडर आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अब बताओ जब वेंडर इंटरेस्ट ड्यू करेगा मैं कौन हूं, मैं हूं राखी। अकाउंटिंग करते समय मैं कौन हूं, हायर परचेसर, मैं कौन हूं राखी। अब राखी अपने बुक्स में क्या अकाउंटिंग करेगी, सर राखी करेगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। राखी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट क्यों करेगी, बिकॉज सर जितना भी इंटरेस्ट पेबल है वो इंटरेस्ट राखी के लिए क्या है, सर वो इंटरेस्ट राखी के लिए एक्सपेंस है। क्रेडिट पर किसने खरीदा, राखी ने, तो जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वही इंटरेस्ट हायर वेंडर के लिए इनकम होगा, वही इंटरेस्ट राखी के लिए एक्सपेंस होगा। अब एक्सपेंस है तो राखी करेगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट एंड टू करेगी हायर वेंडर अकाउंट, बिकॉज ये पैसा उसे हायर वेंडर को पे करना है, बिकॉज ये पैसा उसे हायर वेंडर को पे करना है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था उस क्वेश्चन में, हमने एक्चुअली तो कैलकुलेट नहीं किया लेकिन मान लेते हैं कि एट द एंड ऑफ ईयर वन रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, तो पूरे साल के लिए आउटस्टैंडिंग कितना था, 30 लाख रुपए। अब 30 लाख पर 10% के हिसाब से कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, 3 लाख। कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, 3 लाख रुपए। कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, 3 लाख रुपए, ठीक है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, 3 लाख रुपए का आपने इंटरेस्ट क्या किया, चार्ज कर दिया, ठीक है। पहला साल खत्म हो गया, एक तो क्या होगा, इंटरेस्ट ड्यू होगा, एक तो क्या होगा, इंटरेस्ट ड्यू होगा, ठीक। अब बात करते हैं उसके बाद क्या होगा, सर एट द एंड ऑफ ईयर वन ना और एक चीज होगी कि अगर आपने असेट को अपने बुक्स में दिखाया है, अगर मैंने ऑन द डेट ऑफ पोजिशन को ही असेट को अपने बुक्स में दिखाया, तो क्या असेट पूरे साल के लिए यूज हुई, यस, असेट 1st of April के दिन बुक्स में आई, असेट 31st March 2020 तक मेरे बुक्स में है, मतलब असेट पूरे साल के लिए यूज हुई है। अब अगर असेट पूरे साल के लिए यूज हुई है तो क्या असेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ऑब्वियसली जिस दिन से असेट मेरे पास है, जिस दिन से मैं असेट यूज कर रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता पैसे दिया या नहीं दिया। क्या डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग ये बोलता है कि अगर कैश में खरीदी होगी तो ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना, अगर क्रेडिट में खरीदी होगी तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना, नहीं रे। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग क्या बोलता है, अगर आपने असेट को खरीदा तो आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ता वो असेट कैश में खरीदी है, फर्क नहीं पड़ता उस असेट को आपने क्रेडिट में खरीदा है, ठीक है। अब आप चार्ज करोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, मान लीजिए 10% वॉज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो आप 5.5 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे एंड टू क्या करोगे, असेट अकाउंट, एंड आप टू क्या करोगे, असेट अकाउंट कितने से, 5.5 लाख, ठीक। अब क्या होगा एट द एंड ऑफ ईयर वन, सर एक तो इंटरेस्ट चार्ज हुआ, असेट पर डेप्रिसिएशन हुआ, तीसरा क्या होगा, सर एट द एंड ऑफ ईयर वन कुछ इंस्टॉलमेंट भी तो पे होगा, है ना। आज ये क्वेश्चन में देख लेते हैं, एट द एंड ऑफ ईयर वन कितना इंस्टॉलमेंट था, शायद 10 लाख रुपीज का इंस्टॉलमेंट था ना, एट द एंड ऑफ ईयर वन कितने रुपीज का इंस्टॉलमेंट पे किया गया था, 10 लाख रुपीज का। अब राखी इंस्टॉलमेंट पे कर रही है, राखी इंस्टॉलमेंट पे कर रही है, राखी करेगी टू बैंक अकाउंट, राखी करेगी टू बैंक अकाउंट कितने से, 10 लाख रुपीज से। टू बैंक अकाउंट कितने से होगा, 10 लाख रुपीज से, एंड डेबिट किससे करेंगे, ऑब्वियसली हायर वेंडर, बिकॉज इंस्टॉलमेंट पे करने से वेंडर के टुवर्ड्स लाइबिलिटी कम हो गई। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट क्यों किया, बिकॉज इंस्टॉलमेंट पे करने से वेंडर के टुवर्ड्स की लाइबिलिटी कम हो गई विद द अमाउंट ऑफ 10 लाख्स। विद द अमाउंट ऑफ 10 लाख क्या एंट्री होगी, हायर वेंडर टू बैंक, क्या एंट्री होगी, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, सिंपल है। ये 3 ट्रांजेक्शन होंगे, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर क्या करोगे, ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है एंड ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, आप इसे P&L में ट्रांसफर करोगे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना करोगे, 8,50,000 टू इंटरेस्ट अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर 3 लाख रुपीस, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, है ना, डॉक्टर साहब की क्लास में आए हो, कितना 5,50,000। एज सिंपल एज दैट, बता दू हुआ क्या, बस इतना सिंपल है रे। ये ट्रांजेक्शन का फ्लो समझ लो, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जल्दी से रिवाइज करता हूं, हमने कहा क्या, हमने बात करी अकाउंटिंग इस चैप्टर में, हमें हायर वेंडर के बुक्स में भी देखनी है, हायर परचेसर के बुक्स में भी देखनी है। हायर परचेसर के बुक्स में अकाउंटिंग करने के 2 तरीके, सबसे पहला कैश प्राइस मेथड, सेकेंड इज द इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। हमने स्टार्ट किया कैश प्राइस मेथड से। सबसे पहला क्वेश्चन, सर बुक्स को अपने असेट को अपने बुक्स में कब दिखाने का, 2 ऑप्शन है, पहला जिस दिन डाउन पेमेंट किए किया उसी दिन, सेकंड सर जिस दिन आखिरी इंस्टॉलमेंट पे होगा, जिस दिन असेट मेरे नाम पे ट्रांसफर होगी इसी दिन,
हमने क्या देखा, वी सॉ द रीजन की सस्पेंस ओवर फॉर्म के हिसाब से, जिस दिन सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हुए, किस दिन, जिस दिन पोजिशन ट्रांसफर उस दिन सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर, ठीक है यस। अब हमने बात करी थी कि कितने पे दिखाने का, कब दिखाने का, समझ में आ गया कितने पे दिखाने का, कैश परचेज प्राइस था 55 लाख, हायर परचेज प्राइस था 65 लाख, 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट था। हमने एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बोरोइंग कॉस्ट के बारे में क्या कहता है, अगर बोरोइंग कॉस्ट इन रिलेशन टू एक्विजिशन ऑफ एन असेट है, जिस कंडीशन में आपको यूज करनी है उस कंडीशन में लाने तक के इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे, उसके बाद वाले को कैपिटलाइज नहीं करेंगे। लेकिन इस केस में जो मेरी कार थी, जिस दिन मैंने कार को खरीदा उसी दिन कार उसी कंडीशन में अवेलेबल थी जिस कंडीशन में मुझे यूज करना है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। मतलब आप कॉस्ट ऑफ परचेज दैट इज द कैश परचेज प्राइस 55 लाख पे असेट को दिखाओगे। आपने किया असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, देन उस दिन जितना अमाउंट पे किया आपने कर दिया हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अभी मैं आ गया मेरा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, अभी एंट्रीज में मैं आपको बता रहा हूं इनडायरेक्टली हो क्या है ना। मैंने क्या किया सर, पेन पे ध्यान देंगे ना, मैंने असेट को रिकॉर्ड किया 1.5 लाख रुपए पे, ठीक है। देन उसमें से मैंने क्या किया, डाउन पेमेंट पेमेंट की एंट्री करी, बचा कितना बैलेंस 1,20,000। अगले बार मैं क्या करूंगा, पहले साल के एंड में इंटरेस्ट एक्सपेंस ड्यू कर दिया। इंटरेस्ट एक्सपेंस ड्यू की एंट्री होती क्या थी, जल्दी बताओ सर, इंटरेस्ट टू हायर वेंडर, पहले से हायर वेंडर परचेसर के बुक्स में क्रेडिट में दिख रहा है, इंटरेस्ट चार्ज करने से हायर वेंडर का बैलेंस बढ़ गया। इस दिन पर हायर वेंडर का बैलेंस कितना हो गया, 133,620। उसमें से इंस्टॉलमेंट पे करने की एंट्री क्या होगी, हायर वेंडर टू बैंक, क्या होगी, हायर वेंडर टू बैंक, कम हो गया। एंड हायर वेंडर का अगले साल में ओपनिंग बैलेंस होगा 83,620। हो कुछ नहीं रहा, ये जो टेबल है ना इसी टेबल को अकाउंट के फॉर्म में दिखा रहे हैं, ठीक है। हमने इंटरेस्ट चार्ज किया, हायर वेंडर का बैलेंस बढ़ जाएगा, हमने इंस्टॉलमेंट रिसीव किया, हायर वेंडर को बैलेंस पेएबल कम हो जाएगा। देन सर अगर असेट बुक्स में रिकॉर्ड कर लिए तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ेगा क्या, जरूर करना पड़ेगा। किस रेट पे चार्ज करना पड़ेगा, एग्जामिनर आपको दे देगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन सर, एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होगा, जितना भी इंटरेस्ट एक्सपेंस था, जितना भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था, आप उसे क्या करोगे, आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। सिंपल, क्या होगा वो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बोलना माही बोलना, आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कैश प्राइस मेथड में बोल क्या रहा है। असेट खरीदा तो असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, कौन से वैल्यू पर, कैश प्राइस में। देन डाउन पेमेंट पे करते हायर वेंडर टू बैंक, सिंपल है। उसके बाद जब इंटरेस्ट चार्ज होगा, इंटरेस्ट टू हायर वेंडर का बैलेंस बढ़ जाएगा। जब इंस्टॉलमेंट पे होगा, हायर वेंडर टू बैंक, बैलेंस कम हो जाएगा। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर क्या करोगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट करोगे टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट अकाउंट, एज सिंपल एज दैट। चलो एक काम करते हैं, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7। काफी डिटेल क्वेश्चन है जिसमें हमें अकाउंट्स भी बनाने हैं, जिसमें हमें जर्नल एंट्रीज भी करनी है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखो। ऑन 1st of January 2017 मिस्टर एक्स टुक द डिलीवरी फ्रॉम मिस्टर वाई। ध्यान से देखो, किसने डिलीवरी ली, मिस्टर एक्स ने। तो मिस्टर एक्स क्या हो गया, यू कैन कॉल मी एक्स, मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स हो गए हमारे हायर परचेसर एंड मिस्टर वाई हो गए मेरे हायर वेंडर, मिस्टर वाई हो गए मेरे हायर वेंडर। क्या बात, क्या बात कर रहे हो, 5 मशीनरीज को बेचा हायर परचेस सिस्टम पे, ठीक है। 4,000 बीइंग पेड ऑन डिलीवरी, ऑन डिलीवरी मतलब बुकिंग के टाइम पे ही पे करना है कितना, 4,000, एंड द बैलेंस इन 5 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹6,000 ईच पेबल एनुअली ऑन 31st December। 1st January 2017 के दिन खरीदा, बैलेंस जो है ₹6,000 के 5 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, एंड इंस्टॉलमेंट्स इज पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर दैट इज ऑन 31st December। कोई बात नहीं, द वेंडर कंपनी चार्जेस 5% इंटरेस्ट पर एनम, 5% इंटरेस्ट चार्ज होता है, ठीक है। द कैश प्राइस ऑफ 5 मशीन इज 30,000। अब सबसे पहले तो कैलकुलेशन एंगल पे मुझे बताओ, ये कौन से सिचुएशन वाला एग्जाम्पल है, ये कौन से सिचुएशन वाला एग्जाम्पल है। क्या इसमें हमें कैश परचेज प्राइस दिया है, यस। क्या इसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, यस। क्या इसमें हमें इंस्टॉलमेंट्स के बारे में गिवन है, यस। मतलब ये तो सबसे सिंपल हमारा मेथड नंबर 1 का एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है शो द जर्नल एंट्रीज विदाउट नरेशन। चलो ठीक है, नरेशन नहीं लिखना। एक हमें बनाना है असेट अकाउंट, एक हमें बनाना है मिस्टर वाई अकाउंट, मिस्टर वाई अकाउंट मतलब हायर वेंडर अकाउंट फॉर द 5 ईयर्स। अज्यूमिंग
दैट द परचेसर चार्जेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%। क्वेश्चन ने मुझे दे दिया है कि जो हायर परचेसर है वो अपने बुक्स में 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा SLM। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, आ जाओ साथ में बनाएंगे। बिलीव मी, ये क्वेश्चन को करने के बाद आपके बुक्स में हायर परचेसर की अकाउंटिंग एकदम सिंपल हो जाएगी, आई एम श्योर ऑन दैट। किसके बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं हम लोग, लिखिए अपने बुक्स में क्वेश्चन नंबर क्या पुट करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 8 पुट करेंगे अपने बुक में ना, आपकी जो बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 8 पुट करेंगे। इधर 7 दिख रहा है लेकिन और एक एडिशनल क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया है, तो आई एम श्योर जब आपके पास बुक पहुंचेगी क्वेश्चन नंबर 8 ही होगा। क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर, कौन था हमारे बुक्स में हायर परचेसर, एक्स था क्या? यस एक्स। बताओ जर्नल एंट्रीज करें या लेजर बनाए? सर एक काम करते हैं लेजर बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज तो अभी आपने ऊपर बता दी, एक काम करते हैं लेजर बनाते हैं। लेजर बनाने के बाद सर जर्नल एंट्रीज हमें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, क्या बनाने के लिए बोल रहे हैं? एक मुझे असेट अकाउंट बनाने के लिए कह रहे हैं, ठीक है थोड़ा बड़ा ही बना लेना बिकॉज 5 साल से रिलेटेड बना है। अगर हर साल की आपने 3-3, 4-4 भी कंसिडर किया कि 3-4 रोज लगने वाले हैं तो 20 रो का तो बना ही लेना असेट अकाउंट, ठीक है, बिकॉज एग्जाम में जगह ज्यादा हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कम नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। एक हो गया एसेट अकाउंट, इसके बाद आपने बना लिया एक हायर वेंडर अकाउंट, एक आपने बना लिया एसेट अकाउंट, दूसरा इसके बाद आपने बना लिया हायर वेंडर अकाउंट, ठीक है। और क्वेश्चन ने किसी और अकाउंट के बारे में कहा है क्या बनाने के लिए? नहीं, एक सेकंड किधर आ गए, हो गए हम कहां, ठीक है। एक एसेट अकाउंट बनाने के लिए कहा है, एक मिस्टर वाई अकाउंट बनाने के लिए कहा, कोई दिक्कत नहीं है सिंपली एंट्री करते ही। लॉजिकली सारे बच्चे साथ में, सारे बच्चे साथ में जल्दी से बताएंगे। सबसे पहली एंट्री कब होगी? सर जिस दिन आपने असेट का पोजीशन लिया, दैट इज 1st of January 17 वाले दिन, उसी दिन आप अपने बुक्स में असेट को रिकॉर्ड कर लोगे। किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे? कैश परचेस प्राइस पर। किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे? कैश परचेस प्राइस पर। कितना है कैश परचेस प्राइस? 30,000। कितना है कैश परचेस प्राइस? 30,000। बताओ एंट्री क्या होगी? सर एंट्री होगी असेट अकाउंट डेबिट, 1st January 17 के दिन ही एंट्री क्या होगी? असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। क्या मैं मिस्टर वाई अकाउंट भी कह सकता हूं? यस, असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। कितने पे एंट्री होगी? 30,000 में। कितने पे एंट्री होगी? 30,000 में। ठीक उसी दिन 1st of January 17 वाले दिन आप हायर वेंडर अकाउंट के क्रेडिट में लिखोगे बाय मशीनरी अकाउंट। आप लिखोगे बाय मशीनरी अकाउंट कितने से? 30,000 रुपीज। क्या इनिशियल रिकॉग्निशन हुआ? यस, 1st of January 17 वाले दिन। और कुछ ट्रांजेक्शन हुआ क्या? यस, और एक ट्रांजेक्शन हुआ, दैट वॉज डाउन पेमेंट पे होना। कितना डाउन पेमेंट पे हुआ? 4,000 बीइंग पेड ऑन डिलीवरी। क्या एंट्री होगी? 1st of January 17 के दिन एंट्री क्या होगी? एंट्री बोलो दिमाग में सारे के सारे, मैंने डाउन पेमेंट पे किया, एंट्री होगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंट्री होगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नीचे लिखेंगे डाउन पेमेंट, नीचे लिखेंगे डाउन पेमेंट। कितना डाउन पेमेंट चार्ज होगा? 4,000 रुपीज। कितना डाउन पेमेंट किया? 4,000 रुपीज। ये सारी एंट्रीज हो गई 1st of January 17 वाले दिन। क्या इसके अलावा और कोई एंट्री? नहीं। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। देन क्या हुआ बताइए मुझे? 1st of January वाले दिन पोजीशन क्या है? 30,000 की असेट मैंने वेंडर से खरीदी लेकिन 4,000 रुपए का मैंने डाउन पेमेंट पे कर दिया, मतलब 26,000 आउटस्टैंडिंग है पूरे साल के लिए। मतलब जो 26,000 है वो 26,000 पूरे के पूरे साल के लिए क्या है बेटा? आउटस्टैंडिंग है। अब ध्यान से सुनेंगे, अगर ये जो 26,000 है ये 26,000 पूरे के पूरे साल के लिए क्या है बेटा? आउटस्टैंडिंग है, अभी तक पे हुआ ही नहीं है, ठीक है। अब आएगा मेरा साल खत्म होगा, 1st of January के दिन साल खत्म हो रहा है, मतलब 31st of December 17 के दिन साल खत्म होगा। क्या एंट्री होगी 31st of December 17 के दिन? सबसे पहले तो सर ये जो वेंडर का 26,000 पूरे साल के लिए आउटस्टैंडिंग था ना, उस पर वेंडर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। बताओ एंट्री क्या होगी? सर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, ठीक है। 31st of December 17 के दिन आप करोगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, आप करोगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। बताइए बाय इंटरेस्ट अकाउंट एंट्री कितने से होगी? सर ये होगी 26,000, 30,000 में से 4,000 पे हो चुका है ना, बचा कितना? 26,000, 26,000 का 5% कितना होगा? 26,000 का 5% बताइए कितना होगा?
26,000 का 5% ये होगा 1300, कितना होगा बेटा 1300 रुपीस, कितना होगा 1300 रुपीस, ठीक है। हायर वेंडर का बैलेंस बढ़ा दिया, देन क्वेश्चन ने क्या बोला है सर, देन क्वेश्चन बोल रहा है कि मुझे 20% SLM से डेप्रिशिएट करना है। आ जाएंगे 31st of December 17 के दिन, आप चार्ज करोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, दिमाग में एंट्री बोलते रहेंगे, दिमाग में एंट्री बोलते रहेंगे, जिस असेट के डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन टू असेट। बताओ कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 20% स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब 30,000 डिवाइड बाय 5, सिंपल 5,000 रुपीज, 6,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा सर, 31st December 17 वाले दिन ही इंस्टॉलमेंट पे हुआ है ना, 31st December 17 वाले दिन ही इंस्टॉलमेंट पे हुआ, बताओ एंट्री क्या होगी, टू बैंक अकाउंट, एंट्री क्या होगी टू बैंक अकाउंट, कितना इंस्टॉलमेंट पे किया 6,000, कितना इंस्टॉलमेंट पे किया 6,000। क्या मैंने 31st December 17 दैट इज एट द एंड ऑफ ईयर वन वाली सारी एंट्रीज कर ली, यस। बताइए एट द एंड ऑफ ईयर वन असेट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 24,000, एंड ये साल मैंने इधर क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक। उसी तरीके से एट द एंड ऑफ ईयर वन हायर वेंडर अकाउंट का बैलेंस कितना है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बैलेंस है बताओ 30,000 प्लस 1300 31,300, 31,300 में से आप 10,000 लेस करोगे बचेगा 21,300, कितना बचेगा 21,300। अगला साल जब शुरू होगा दैट इज 1st of January 18 वाले दिन, अगला साल कब शुरू होगा 1st of January 18 वाले दिन, आप यही बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करोगे बाय बैलेंस बॉट डाउन, इसी बैलेंस को नीचे लेकर आओगे बाय बैलेंस बॉट डाउन, कितने से 21,300, कितने से बैलेंस लेकर आओगे 21,300 रुपीस, ठीक है। एंड असेट का बैलेंस बॉट डाउन कितना होगा 1st of January 18 वाले दिन, टू बैलेंस बॉट डाउन असेट का होगा 24,000 रुपीस, ठीक है, कितना बैलेंस बॉट डाउन होगा 24,000 रुपीस, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, इसके बाद आ जाते हैं ईयर टू में, इसके बाद क्या करेंगे, आ जाएंगे सर सिंपली ईयर टू में, कहां आएंगे ईयर टू में सर, ईयर टू के शुरुआत में बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना है 21,300, कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है 21,300, फिर से साल खत्म होगा दैट इज 31st December 18 आएगा, बताओ बाय इंटरेस्ट अकाउंट में चार्ज कितना होगा, बताओ बेटा बाय इंटरेस्ट अकाउंट में चार्ज कितना होगा सर, 21,300 बाकी है उस पर 5% कर लीजिए, 21,300 पर 5% ये होगा 1065, कितना होगा ये 1065, कितना होगा ये 1065, ठीक है। इंटरेस्ट मैंने चार्ज कर लिया, फिर से क्या होगा सर, फिर से वही चीज होगी 31st December 18 वाले दिन मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, है ना, बिकॉज डेप्रिसिएशन भी हर साल चार्ज होना ही है, कितना SLM पर 20% है, डायरेक्ट 6,000 का अमाउंट है, डायरेक्ट 6,000 का क्या है अमाउंट है, देन क्या होगा सर, इंस्टॉलमेंट पे होगा, कर दो एंट्री 31st December 18 वाले दिन, कर देंगे एंट्री 31st December 18 वाले दिन, आप करोगे टू बैंक अकाउंट, आप कर लोगे टू बैंक अकाउंट, कितने से एंट्री करोगे सर, इंस्टॉलमेंट कितने का पे हुआ 6,000 गिवन है ना क्वेश्चन में, यस, इंस्टॉलमेंट कितने से पे हुआ 6,000 रुपीस का, बताइए एट द एंड ऑफ ईयर टू बैलेंस कितना होगा कैरी डाउन, कर लो बेटा कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर पे करेंगे, सिंपल है, कुछ नहीं कर रहे हैं, इसी के हिसाब से मैं आपको जो वर्किंग वाला टेबल बना के दे दूंगा आपके लिए सिंपल हो जाएगा, कर लीजिए 21,300 प्लस 1065 माइनस 6,000 सर 16365, कितना आ रहा है 16365 का बैलेंस है। असेट का क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, बताइए असेट का एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस कैरी डाउन कितना होगा 18,000 रुपीस, एंड इधर मैंने असेट अकाउंट भी क्लोज कर दिया, दो साल की एंट्रीज हो गई क्या, यस, और कितने साल की एंट्री करनी है हमें, 6,000 ईच इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, अच्छा 5 साल की एंट्री करनी है, अब ऑटो पायलट मोड पर चले जाओगे क्या आप, यस, अभी आपको मेरे देखने की जरूरत है क्या, नहीं, अगला साल शुरू होगा 1st of January 19 वाले दिन, मैं करूंगा टू बैलेंस बॉट डाउन, कितना 18,000, फिर साल खत्म होगा 31st of December 19 वाले दिन मैं चार्ज करूंगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, मैं चार्ज करूंगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितने से 6,000 रुपीज से, ठीक है। आ जाएंगे नीचे, अब क्या करेंगे सर, आ जाएंगे नीचे, क्या बोला गया अगले साल में दैट इज ऑन 1st of January 19 वाले दिन
हायर वेंडर अकाउंट का बैलेंस बॉट डाउन कितना था 16365, बताइए हायर वेंडर अकाउंट का बैलेंस बॉट डाउन कितना था 16365, ठीक है। अब इसी पर क्या चार्ज करेंगे 31 December 19 वाले दिन इसी पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, है ना, 31 December 19 वाले दिन इसी पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, कितना करेंगे 16365 इंटू 5% होगा कुछ 818, कितना इंटरेस्ट आ रहा है 818 रुपीस का इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। फिर से क्या करेंगे 31 December 19 वाले दिन टू बैंक अकाउंट हमने इंस्टॉलमेंट पे किया, टू बैंक अकाउंट हमने इंस्टॉलमेंट पे किया कितना 6000 रुपीस का, एंड टू बैलेंस कैरी डाउन कितना होगा प्लस 16365 माइनस 6000, ये कितना होगा 111.83, कितना हो रहा है 111.83, बताइए समझ में आ गया क्या। देखते ही देखते हम लोग 3 साल में आ गए बेटा, रिकरिंग प्रोसेस है, क्या है कुछ नहीं, साल के शुरुआत में जितना बैलेंस है पूरे साल में उस पर इंटरेस्ट चार्ज करो, उसमें से इंस्टॉलमेंट पे करो, जितना असेट का बैलेंस है उसको डेप्रिशिएट करते रहो, ठीक है। अगला साल हमारा आ गया कौन सा 1 January 20 वाले दिन बाय बैलेंस बॉट डाउन कितना है 111.83, आखिरी 2 साल है, आखिरी 2 साल बाकी है, इधर बताओ बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना होगा 12000। फिर से आ गए 1 January 20 वाले दिन टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना होगा 12000 रुपीस। फिर से 31 December 20 वाले दिन हम लोग चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 6000 रुपीस। फिर से हम लोग क्या करेंगे अगले साल में, फिर से हम लोग चार्ज करेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, फिर से हम लोग क्या चार्ज करेंगे, फिर से हम लोग चार्ज करेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बताइए बाय इंटरेस्ट अकाउंट में कितना जाएगा सर 111.83 का 5% 559 होगा, कितना होगा 559 31 December 20 वाले दिन, आ जाइए इधर 31 December 20 वाले दिन टू बैंक अकाउंट ये वाला इंस्टॉलमेंट भी कितना है 6000, कर लो बेटा कैलकुलेट 111.83 प्लस 559 ये हो रहा है 1742, माइनस कर लेंगे 6000 कितना बच रहा है 5742, कितना बच रहा है टू बैलेंस कैरिड डाउन 5742। देखते ही देखते ईयर 4 भी खत्म हो गया, देखते ही देखते ईयर 4 भी खत्म हो गया, बात करते हैं ईयर नंबर 5 की। ईयर नंबर 5 कब से स्टार्ट होगा 1 January 2021 से, ठीक है। बताओ बाय बैलेंस बॉट डाउन कितना होगा 5742, एसेट अकाउंट को भी तो खाली किया जाए, बताओ बाय बैलेंस कैरिड डाउन होगा 6000, ये हो गया 0, ठीक है। 1 January 21 टू बैलेंस कैरिड डाउन 6000 रुपीस, 31 December 21 वाले दिन आप चार्ज करोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 6000 रुपीस, बैलेंस कितना हो गया 0, बैलेंस कितना हो गया 0। अब ध्यान से सुनो, क्या सर हमेशा ऐसा होगा कि सारे इंस्टॉलमेंट्स पे करने के बाद असेट का बैलेंस 0 होगा? नहीं बेटा, इधर तो कोइंसिडेंस था कि क्वेश्चन ने हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था 20% पर एनम, वो भी SLN। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूं, जो समझे बहुत अच्छा, जो ना समझे सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस में समझ जाओगे। मैं बेटा आपको सिर्फ कहना इतना ही चाहता हूं कि सर इधर तो हमारा असेट ऐसा संजोग था कि 20% SLM रेट लिया इसलिए 0 हो गया, लेकिन क्या हर बार असेट 0 होगा? नहीं। मतलब इसी जगह पर अगर क्वेश्चन मुझे दे देता कि इट इज कंपनीज पॉलिसी टू चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% ऑन WDV, तो क्या ये बैलेंस 0 होता? सर 0 नहीं होता बिल्कुल भी। मतलब क्या हायर वेंडर अकाउंट एंड असेट अकाउंट का कुछ भी लेना देना है? नहीं, हायर वेंडर अकाउंट अपने स्पीड से चलता रहेगा एंड एट द एंड वो 0 होगा, वो तो फॉर श्योर है, बिकॉज हायर वेंडर अकाउंट कुछ नहीं है, बस हम जो टेबल बनाते थे उसी का रिफ्लेक्शन है। लेकिन ये जो असेट अकाउंट है ये अपने हिसाब से चलेगा, इस पे हायर वेंडर अकाउंट का कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। आ जाओ हायर वेंडर अकाउंट में 5742 31 December 21 कब की बात है, 31 December 21 वाले दिन टू बैंक अकाउंट कितना होगा बताइए, टू बैंक अकाउंट कितना होगा 31 December वाले दिन 6000 रुपीस, एंड एट द एंड ऑफ ईयर 5 क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा 0, तो बताइए बाय इंटरेस्ट कितना होगा
आप एज अ बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, 5742 माइनस 6000 ये हो रहा है 258 रुपीस, है ना, 258 हो रहा है। आप 5742 का 5% भी करोगे तो 280 कुछ आ रहा है, लेकिन ऑन अ सेफर साइड आप 258 लिखोगे ताकि ये 6000 एग्जैक्टली आ जाए एंड एट द एंड ऑफ 5 इयर्स बैलेंस क्या हो जाए, जीरो आ जाए, एंड एट द एंड ऑफ 5 इयर्स बैलेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। लेजर अकाउंट बना लिए, सिंपल है क्या, यस। क्या इसी के जर्नल एंट्रीज हम लोग कर सकते हैं, यस। बताओ एंट्री क्या होगी, बताओ एंट्री क्या होगी, सबसे पहली एंट्री होगी, बताओ 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 एंट्री क्या होगी, सर सबसे पहले एंट्री होगी असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट ऑन द डेट ऑफ परचेज आप एंट्री करोगे, यस। कितने से एंट्री करोगे आप, 30,000 रुपीस, कितने से एंट्री करोगे आप, 30,000 रुपीस से, ठीक है। देन ऑन द डेट ऑफ परचेज ही क्या एंट्री होगी, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आप करोगे, कितने से एंट्री होगी ये, 4,000 रुपीस से, कितने से एंट्री होगी, 4,000 रुपीस से, ठीक है। देन अगले साल से क्या एंट्री चार्ज होगी, सर एक तो एंट्री चार्ज होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर हर साल ही एंट्री चार्ज होगी। दूसरी क्या एंट्री चार्ज होगी, सर दूसरी एक डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, दूसरी एक जो एंट्री है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू असेट अकाउंट, एक जो एंट्री है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, ये हर साल चार्ज होगी, ठीक है। और एक एंट्री कौन सी होगी, सर इंस्टॉलमेंट पेमेंट की, क्या होगी, इंस्टॉलमेंट पेमेंट की एंट्री, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इंस्टॉलमेंट पे करोगे ना एट द एंड ऑफ द ईयर, तो क्या एंट्री होगी, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बस वी आर रीचिंग द एंड ऑफ द लेक्चर, एंड इसके बाद क्या करोगे, एंड इसके बाद एक लास्ट एंट्री होगी पीएनएल में, बिकॉज पीएनएल में हमने करंट ईयर का जितना भी इंटरेस्ट है वो भी चार्ज करना पड़ेगा, जितना डेप्रिसिएशन है वो भी चार्ज करना पड़ेगा, टू इंटरेस्ट अकाउंट टू पीएनएल, क्या यही कॉमन एंट्रीज है, यस। एक काम करता हूं, अब या तो मैं ये सारी की सारी एंट्रीज पांच बार लिखूं पांच साल से रिलेटेड, लेकिन हम हार्ड वर्क करेंगे क्या, नहीं बेटा हम तो स्मार्ट वर्क करेंगे। मैं इधर डेट के कॉलम्स बना दे रहा हूं, आप भी अपने बुक में ऐसे ही बनाना, ठीक है। अगर आपने एक पेज में मान लो इतना ही लिखा है तो क्या करो, जो बुक का दूसरा साइड है, मतलब ऐसी बुक होगी ना, तो एक साइड आपने मान लो सिर्फ एंट्री और एक अमाउंट लिखी हो, तो उसके साइड वाले पेज में भी कॉलम्स बना लेना, ठीक है। डेट कौन सी थी हमारी, ये 1st of January 17, ठीक है, ये 1st of January 17, देन ये 31st of December 17, देन ये 31st of December 18, देन ये 31st of December 19, देन ये 31st of December 20, चार इंस्टॉलमेंट हो गए, एंड देन 31st of December 21, ठीक है। पांच साल से रिलेटेड आपको क्या करनी है, एंट्री करनी है, एंट्री नंबर वन एंड एंट्री नंबर टू होगी क्या पांच साल से रिलेटेड, बिल्कुल भी नहीं, क्यों सर, वो तो ईयर जीरो में ही होगी, लेकिन सर अगले साल से इंटरेस्ट चार्ज होगा, अगले साल से डेप्रिसिएशन होगा, बताओ डेप्रिसिएशन हर साल से कितना होगा, सर हमने देख लिया डेप्रिसिएशन 6000 होगा, तो ईयर जीरो में तो कुछ नहीं होगा, है ना, ईयर जीरो में ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, लेकिन एट द एंड क्या होगा, 6000, समझते जा रहे हो ना, कोई बात नहीं, सिंपल है, बस क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन इसका हम लोग लेजर पोस्टिंग ऑलरेडी देख चुके हैं, बस उसकी जनरल एंट्री बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देन सर इंटरेस्ट अकाउंट इंस्टॉलमेंट कितना है, सर इंस्टॉलमेंट भी हर साल में 6000 ही है ना, कोइंसिडेंस है, ऐसा नहीं है कि हर बार सेम ही होगा, इंस्टॉलमेंट भी कितना है, 6000 हर साल का, ठीक है। इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है हर साल में देखकर बता सकते हो क्या, यस, इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है देखकर बता सकता हूं, 1300 1065, थर्टीन हंड्रेड वन जीरो सिक्स फाइव, ये एक्स क्यू होगा, बिकॉज ये सारी एंट्री सब्सिक्वेंटली नहीं होगी, ऑन द डेट ऑफ परचेज ही होगी,
एंड वी आर डन। अभी क्या करेंगे, आज एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। उन्होंने एंट्रीज करी है, उन्होंने इस क्वेश्चन में क्या बनाया, ये वर्किंग भी बनाई है 5% वाली, आप भी अपने एंड पे चाहो तो इस वर्किंग को बना सकते हो, ठीक है। आप भी अपने एस्पेंड वर्किंग को बनाओ, है कुछ नहीं बेटा, ये जो वर्किंग है ना, ये पूरी वर्किंग के ऊपर ही जो हमारा हायर वेंडर अकाउंट है, जो हम लोग हायर वेंडर अकाउंट बनाते हैं यही तो करते हैं। ओपनिंग बैलेंस लिखा, पे किया, देन उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया, इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट करते करते हम लोग इसे जीरो तक लेकर आते हैं, ये हो गया हायर वेंडर अकाउंट। और असेट के बुक्स में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो तो अलग से चार्ज होता ही है। बताओ बच्चों, जो अभी तक पढ़ा, क्या किसी भी प्रकार का डाउट? आई नो आपको नोट करना है, ये लो जल्दी से पहले असेट अकाउंट नोट कर लो, है ना, ये लो जल्दी से पहले असेट अकाउंट नोट कर लो। आज कौन सा दिन है बोलो, अरे बोलो रे, बोलो रे, बोलो बोलो बोलो, आज कौन सा दिन बेटा? आज वैलेंटाइंस डे है ना सर, वैलेंटाइंस डे के दिन। अरे बेटा अपना काहे का वैलेंटाइंस, अपन कौन सा कोर्स कर रहे हैं बेटा? CACM, मतलब तुम्हारा तो ठीक है, तुम तो अभी कर रहे हो, मेरा तो हो चुका है ना। तुमको ऐसा लगता होगा यार एक बार CA बन जाओ ना फिर तो मचाऊंगा, बड़ा मचाने का कुछ टाइम ही नहीं है मचाने के लिए। कभी लेक्चर होता है, कभी क्लाइंट आके बैठता है, कभी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, मचाने के लिए बेटा टाइम ही नहीं है। मतलब सर जो स्टूडेंट लाइफ में हमने झंड करी है, बाद में जाके भी झंडे का नहीं बेटा, बाद में जाके झंडे किसने बोला, बाद में जाके मजे है लेकिन बस टाइम नहीं है बेटा। तो अभी बहुत सारे बच्चे पूछते सर, बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है सर, अभी हमको रिलेशनशिप में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? मैं बोलता हूँ पहली बात तो अपना कॉल है, बस डिसाइड ये कर लेना कि अगर तुम दोनों एक दूसरे के चक्कर में गोल से भटकोगी ना तो बेटर है, बिकॉज हम सबको पता है टुगेदर एवरी वन अचीव्स मोर। अगर वो भी अपने सेम प्रोफेशन की है, अगर वो भी अपने पढ़ाई के लिए सीरियस है, अगर वो भी अपने पढ़ाई के लिए सीरियस है, पता है तुम्हें इज्जत से पढ़ेगा एंड हम साथ में पढ़ के बेटर कर सकेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे, देवर इन द रिलेशनशिप, कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी है जो भटक गए, उसमें अपना टाइम गवा दिया एंड दोनों गड्ढे में चले गए। कुछ ऐसा भी है जिन दोनों ने अपना साथ दिया, जब डिसाइडेड है टाइम पे बात करनी है टाइम पे बात कर ली, जब डिसाइडेड है कि नहीं यार ये टाइम पढ़ाई का है इस टाइम पे नहीं करना, तब उन्होंने मेंटेन किया एंड बिलीव मी दे आर ऑल डूइंग एब्सोल्युटली वेल। तो मैं कमेंट कुछ नहीं करूंगा, इट इज कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। करो रे बिंदास रिलेशनशिप करना है तो, लेकिन इज्जत में रह के कोई भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। करो ना सब, पढ़ाई करो, रिलेशनशिप करो, एंजॉय करो। बाद में यही बच्चे रोते सीए में आने के बाद ना, मेरी सीएमए में आने के बाद ना मेरी लाइफ झंड हो गई मेरा कोई। अरे झंड तुमने किया है बे, झंड होती नहीं है, झंड तुमने किया है तो करो ना एंजॉय, क्या दिक्कत है? लेकिन इज्जत में रह के एंजॉय करने का, सिर्फ एंजॉय किया तो पढ़ाई रह जाती, सिर्फ पढ़ाई किया तो एंजॉय रह जाता, बैलेंस रखने का, इट इज ऑल अबाउट द बैलेंस बेबी, ठीक है। एसेट अकाउंट बन गया, लो हायर वेंडर अकाउंट बनाओ, ये पहले 3 साल का बना लो जल्दी से, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, पहले 3 साल का बना लो, फिर लगे तो तुम क्या कर लो, पॉज कर लो, है ना, चाहो तो तुम क्या कर लो, पॉज कर लो, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, पॉज करके नोट डाउन कर लो। बाकी तुमको बोला गया है साथ में लिखने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये लो लिख लो जल्दी से। अरे एक एंट्री रह गया लास्ट वाला, वही मैं बोलू कुछ तो रह गया, है ना, 6000 इंटरेस्ट, सॉरी कितना इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है, 2 डेप्रिसिएशन होगा इधर, 2 डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये क्या खुल गया बेचाना है, हाँ ठीक है। कितना होगा सर इंटरेस्ट तो हर बार में कितना कितना चार्ज हो रहा है, 1300, 1065, 818, 559, 258, डेप्रिसिएशन कितना है फिक्स है, 6000, बताओ टोटल कितना होगा, ये होगा 7300 PNL में, ये जाएगा 7065 PNL में, जाएगा 6818 PNL में, फोर्थ ईयर में जाएगा 6559 PNL में, लास्ट ईयर में जाएगा 6258 PNL में, एंड वी आर डन। क्या बोल रहा था, फटाफट से समराइज कर ले, आज हमने क्या देखा, आज हमने देखी अकाउंटिंग इन द बुक्स, फटाफट से रे अरे रे रे रे, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें सब रैप वैप छोड़ दो, तुमको रैप वैप सब छोड़ा देते, रैप छोड़ने के बाद तुम ना मेरा लेक्चर सुनो, मैं तुमको बोल रहा हूँ इतनी स्पीड में दूंगा ना, कोई भी रैपर पीछे पीछेगा एमिनेम रफ्तार रफ्तार सब पीछे, तुम ध्यान से सुन लो एक बार। हमने क्या देखा सर, आज हमने देखा अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ फायर वेंडर, हमने क्या देखा अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ फायर वेंडर, हमने देखा था कि दो पार्टीज होती है, हमने क्या देखा था, दो पार्टीज होती है, एक होता है हमारा हायर परचेसर, एक होता है हमारा हायर वेंडर।
आज हमने अकाउंटिंग स्टार्ट करी इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर। क्या बोला मैंने, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर करने के कौन से मेथड पे था? दो मेथड है। कौन से मेथड है? दो मेथड है। पहला मेथड कौन सा है सर? पहला मेथड है हमारा हायर कैश परचेस प्राइस मेथड। दूसरा मेथड कौन सा है? इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। जनरली एग्जाम में कौन सा यूज होता है? जनरली एग्जाम में हमारा कैश प्राइस मेथड यूज होता है, लेकिन इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड जनरली नहीं पूछता है क्या? नहीं, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्या? नहीं, सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में पढ़ने वाले। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश परचेस प्राइस मेथड क्या कहता है सर? कैश परचेस प्राइस मेथड कहता है कि जिस दिन आपने असेट को खरीदा उसी दिन असेट को अपने बुक्स में क्या कर लेंगे, एज एन असेट रिकॉर्ड कर लेंगे। एंड कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे एट द कैश परचेस प्राइस? हायर परचेस प्राइस पे बताएंगे क्या? नहीं, क्यों नहीं दिखाएंगे? वो भी बताया मैंने आपको। पोजीशन वाले दिन पे असेट क्यों रिकॉर्ड करेंगे वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, आप एंट्री क्या करोगे? असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट ऑन द डेट ऑफ परचेस। ठीक है, देन उसी दिन जितना डाउन पेमेंट पे किया एंट्री क्या करेंगे सर? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद क्या होगा? ओवर देयर इंटरेस्ट चार्ज होता रहेगा। जैसे 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 इंटरेस्ट चार्ज होता रहेगा हायर परचेसर के लिए, वो जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है। तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। हायर वेंडर अकाउंट का बैलेंस बढ़ता रहेगा, लेकिन देन ओवर देयर जैसे 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 इंस्टॉलमेंट पे होता रहेगा कुछ प्रोपोर्शन ऑफ इंटरेस्ट कुछ प्रोपोर्शन ऑफ प्रिंसिपल बैलेंस क्या होता रहेगा? बैलेंस कम होता रहेगा। बताओ एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंट्री क्या होगी? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद सर ये तो हायर वेंडर अकाउंट है, ये अपना टेबल के हिसाब से चल रहा है। दूसरा असेट जो असेट डेप्रिशिएट भी होंगी क्या? यस, बिकॉज असेट के ऑन द डेट ऑफ पोजीशन सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स किसके नाम पे ट्रांसफर होगा? आपके नाम पे। अब आप बताओ असेट पे जब डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो असेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होगी? सिंपल है, डेप्रिसिएशन टू असेट। क्या डेप्रिसिएशन का हैंड वेंडर अकाउंट का कुछ लेना देना रहता है क्या? नहीं, जो रेट से अपने को एग्जाम में एग्जामिनर बोलेगा। अपने ज्यादा दिमाग लगाने का है क्या? नहीं, एग्जामिनर अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, सॉरी एग्जामिनर अपने को रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देगा। एसएलएम बोला एसएलएम, डब्ल्यू बोला डब्ल्यू डी, रिड्यूसिंग बैलेंस रिड्यूसिंग बैलेंस, जो मेथड एग्जामिनर बोला बिंदास उसको लगा के आने का, दिमाग लगाने का नहीं। एंड हर साल में एट द एंड ऑफ द ईयर क्या एंट्री होगी? हर साल में एट द एंड ऑफ द ईयर एंट्री होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बिकॉज हम क्या करेंगे? एट द एंड बैलेंस को ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, एंड सिंपली क्या होगा? जब हम सारे सालों की एंट्री कर देंगे तो असेट का बैलेंस जीरो होगा या नहीं होगा विल डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, उसको तो देखने का नहीं। लेकिन एट द एंड ऑफ फाइव ईयर जैसे हमारा टेबल में एट द एंड ऑफ फाइव ईयर क्लोजिंग बैलेंस जीरो हो जाया करता, ठीक उसी तरीके से अगर आपने अकाउंटिंग सही की सारी सही करी है तो एट द एंड ऑफ फाइव ईयर जो आपका हायर वेंडर अकाउंट है उसका बैलेंस भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। आज का लेक्चर यही खत्म करने हैं। अगर लेक्चर आपको पसंद आएगा तो मेक श्योर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, मेक श्योर उनको बताइए कि हाउ इज माय टीचिंग क्वालिटी, एंड वीडियो को लाइक करने बिना जाना नहीं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, सबसे पहले आज का पढ़ाया हुआ पूरा रिवाइज करेंगे, देन काफी नए सारे कंसेप्ट दिखेंगे। एंड इस चैप्टर में 8 मार्क अपने पक्के है, इस चैप्टर में अपने 8 मार्क पक्के है, उतनी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। तो ठीक है स्टूडेंट, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। See you in the next lecture. This is your mentor, CA Mohit Rawat, signing off. Bye.